एज यूजुअल यस कर दो। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां पे बोर्ड लेवल में खत्म किया था, और बोर्ड लेवल में हम लोगों ने खत्म किया था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में। बोर्ड लेवल में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अभी तक इसका प्रूफ नहीं दिया गया है, साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन। नंबर टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन, प्रूफ सैंडविच थ्योरम से होता है इसलिए हमें इसे छोड़ा गया है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स एक्स बाय एक्स होने से भी वन होता है याद रखो, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स होने से भी वन होता है। तो शुरू करता हूं, एक दो चीजें बताऊंगा, ठीक है। बोर्ड लेवल के बाद शुरू करते हैं। नॉर्मली हम लोग बोर्ड लेवल में ये काम नहीं करते थे, मगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें जानना है कि प्रोडक्ट में लिमिट, ठीक है मैं बस लिख रहा हूं पहले, प्रोडक्ट में अगर लिमिट का वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है तो उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। इसका जरूरत अभी नहीं है, इसके बाद वाले जब मैं एल हॉस्पिटल का आऊंगा वहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। मतलब मेरा कहना है कि सपोज तुमसे कभी पूछा जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय टेन क्यूब एक्स, नो डाउट मैं टेन क्यूब एक्स को लिख लिख के आंसर निकाल सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मगर मैं और एक काम कर सकता हूं कि टेन क्यूब एक्स जब मुझे दिखा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, मैं टेन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का होल क्यूब कर देता हूं और इसे मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब कर देता हूं। इसका वैल्यू क्या होगा? वन। क्योंकि ये फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है, ये बाहर आ सकता है। तुम बोलोगे सर क्यों, जरा तुम लॉजिकली सोचो ना, अगर नहीं भी निकालोगे तो इसे तुम हर स्टेप में लेते 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 जाके लास्ट में डालोगे, क्योंकि ये तो इफेक्ट कहीं पे नहीं कर रहा है। फॉर्म तुम्हारे पास अभी भी ये जीरो बाय जीरो हो रहा है, मगर ये जीरो बाय जीरो किसके लिए हो रहा है? जीरो बाय जीरो वन के लिए नहीं हो रहा है, वो टेन एक्स माइनस एक्स और इस एक्स क्यूब के लिए हो रहा है। ये तुम्हें जीरो बाय जीरो में हेल्प कर रहा है, तो ये वाला पार्ट कहीं पर ही तुम्हें काम करना है। ये तो अननेसेसरी बार बार रहते जाएगा, तो इसे रख के क्या फायदा है? तो इसलिए इसका लिमिट, अब मेरे ख्याल में इस लैंग्वेज का मतलब तुम्हें समझ में आया होगा, केवल प्रोडक्ट में जब होना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि नॉन प्रोडक्ट वैल्यू को भी तुम डाल के निकाल सकते हो, नहीं वो काम नहीं कर सकते हो। तो अगर ये बाहर आ जाता है लिमिट इसका वन, तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स जीरो बाय जीरो। अब क्या करोगे, मेरे ख्याल में ये सम तो हमने बोर्ड लेवल में क्या था, याद ही होगा, याद था क्या, साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय क्या, एक्स क्यूब। क्या फायदा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है चलो, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, क्या करें अभी भी जीरो बाय जीरो है, तो वन माइनस कॉस एक्स को वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब मैं दोबारा कुछ कर रहा हूं, ध्यान से देखो, नहीं करने से भी होगा। जब x जीरो की ओर जा रहा है तो वन प्लस कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये प्रोडक्ट में है देखो, टू, तो ये बाहर निकाल सकते हो, इसका लिमिट टू होता है, तो ये वन बाय टू बाहर आ गया। तो रह क्या गया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये वाला वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई करके क्या देगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स के साथ क्या देगा, साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय क्या, एक्स क्यूब। तो हैंस इसका वैल्यू कितना है, वन बाय टू, खेला खत्म। तो किसी को कहीं डाउट है तो पूछेगा, हाँ लिखना है तो लिख लो, पहला सम में दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर पेन नहीं है तो पेन उठा के लेके आ जाओ, ठीक है। सोनी लिफ्ट किसी का खुला है, बैठ के फुटबॉल देख रहे हो तो फुटबॉल ही देखो, यहां से निकल जाओ, दरवाजा बंद है फुटबॉल देख रहे हो, काम नहीं बनेगा। गुरुकुल का मैथ्स का एग्जाम कब है? गुरुकुल का, गुरुकुल का कोई है फ्राइडे, ठीक है
क्या क्या आ रहा है सर? कंटिन्यूटी, प्रोबेबिलिटी, रिलेशंस, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। थोड़ा नीचे ले जाएंगे। सर एक बार ये लाइन पढ़ देंगे। प्रोडक्ट में लिमिट का वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है तो उसको बाहर निकाल लो। यस सर। आगे चलूं? यस सर। यस सर। एक सेकंड। चलो निकलो आगे। हो गया। चलो सेकंड देखो, मैं बेस तैयार कर रहा हूं। हाँ अभी सेकंड, जब तुम लिमिट लिखते हो एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, तो याद रखो ये x और x इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। हाँ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, जो साइन के साथ होगा जो डिनोमिनेटर में होगा सेम होना चाहिए, साथ में आर्गुमेंट जीरो की ओर जाना चाहिए। तो आर्गुमेंट सेम होना चाहिए चाहिए। ये x टेंडिंग टू जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये आर्गुमेंट का जीरो की ओर जाना है और दोनों का सेम होना है। इस आर्गुमेंट का जीरो की ओर जाना है, मतलब अगर मैं तुमसे कभी बोलूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स पाई बाय टू और तुमसे बोलूं साइन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, तो आर्गुमेंट किसकी ओर जा रहा है? जीरो की। ये कॉस एक्स किसकी ओर जा रहा है? जीरो की ओर। और क्या दोनों आर्गुमेंट सेम है? यस सर। तब तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ये वन होगा। तो ये आर्गुमेंट के खेला को समझो, मतलब कुछ देर के अंदर तुम लोग एक फॉर्मूला देखोगे लिमिट e to the power x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू वन, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें कभी पूछ दूं कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e to the power 10x माइनस वन बाय x, अब इसे वन नहीं लिख सकते हो, मगर आर्गुमेंट x है और x जीरो की ओर जाना चाहिए, तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? 10x। तो यहाँ पे अगर आर्गुमेंट 10x है तो 10x किसकी ओर जा रहा है? जीरो की ओर। तो ये आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, तो इसलिए इसका वैल्यू अगर निकालने बोलूंगा तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो क्या? e to the power 10x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या लोगे? 10x इनटू 10x बाय x। हाँ अब बोलो इसका वैल्यू 1। ये तो इस पैटर्न में गिर रहा है ना, तो इस ग्रे वाले का वैल्यू 1 और इस येलो वाले का वैल्यू भी तो 1 नहीं है, तो इसलिए 1 इनटू 1 1 होता है। तो इस समझो, हाँ तो ठीक है, तो ये एल्गोरिथम को समझो, ठीक है, कि आर्गुमेंट के ऊपर काम होता है, आर्गुमेंट के ऊपर काम होता है, मतलब आर्गुमेंट के ऊपर लिमिट लगता है, काम होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, आर्गुमेंट के ऊपर काम होता है, ये इसका एल्गोरिथम है। एक सम करवाऊंगा, मगर ये छोटा सा चीज लिखवा दिया है, तो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं।
आगे चलूं? यस सर। चलो सॉल्व। चलो मैं आज एक चीज तुमसे बार बार पूछ के बोर करूंगा, वो होगा फॉर्म क्या है। फॉर्म का मतलब जब तुम एक्स का वैल्यू जीरो डालोगे तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, फॉर्म क्या है, जीरो बाय जीरो हो रहा है। एक्स कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, कॉस जीरो वन माइनस वन, जीरो बाय जीरो। मगर नीचे मुझे एक्स टू पावर फोर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे एक्स टू पावर फोर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, साइन टू पावर फोर एक्स को एक्स टू पावर फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू पावर फोर कर देता हूं, ठीक है। ऊपर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा। हाँ, वन माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या है, टू साइन स्क्वायर आर्गुमेंट का आधा, तो मैं इसे आर्गुमेंट मान रहा हूं, मतलब ये मेरे लिए ए का काम कर रहा है। तो वन माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टू साइन स्क्वायर क्या, वन माइनस कॉस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय इस येलो वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, one. ये बाहर, तो ये बाहर आ गया, तो रह अंदर क्या रह गया, केवल एक्स पावर फोर। अब देखो अगर एक्स जीरो की ओर जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो, जो आर्गुमेंट मैंने दिया। अगर ये जीरो हो रहा है तो इसे वन बनाने के लिए क्या करना होगा, मैंने कुछ कहा था वन माइनस कॉस एक्स बाय टू को वन माइनस स्क्वायर है, मैं जान रहा हूं, मैं स्क्वायर पूरा लेके आ जाऊंगा, इनटू क्या, किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, मैं फिर से कह रहा हूं, डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर फोर, तो इसका क्या वैल्यू होगा, क्या इसका वैल्यू वन होगा, किसी को डाउट है, डाउट होगा तो प्लीज बोलोगे, प्लीज बोलोगे, हाँ कहीं डाउट होगा क्योंकि आर्गुमेंट सेम। सर ये वाला हाँ, स्टेप पर फिर से समझा देंगे। वन साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, मुझे इसलिए कहाँ कौन कहाँ से समझाऊँ, कौन सा सर वो लास्ट स्टेप, सर ये जो आपने लिखा है, तो मेरा कहना है कि एक्स अगर जीरो की ओर जाएगा तो ये किसकी ओर जा रहा है, कॉस जीरो वन होता है, जीरो की तरफ से, तो अगर ये आर्गुमेंट जीरो की ओर जा रहा है, यही चीज अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर जो मैंने अभी समझाया था, क्या ये साइन एक्स बाय एक्स का फॉर्म नहीं हो जाएगा सर, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, समझ में आया। ये होल स्क्वायर होने के कारण ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पे मैंने गलती किया है, यहाँ पे भी एक होल स्क्वायर होना चाहिए, तो तुम तब तुम्हारे पास टू वन बाय टू का होल स्क्वायर, तो वन बाय टू बाहर निकल जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर फोर। अब इसे क्या करेंगे, कुछ और एक चीज बताता हूं, होल स्क्वायर में तुम हर होल स्क्वायर जो है ना वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस है या नहीं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा था या नहीं, तो एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस होने के कारण लिमिट स्क्वायर के अंदर आ सकता है, मतलब तुम एक काम कर सकते हो, स्क्वायर को बाहर ले लो, लिमिट को अंदर ले लो, ठीक है। बाकी बैचेस में ये बोलना भूल गया था मैं, मगर इसका कभी कभी यूज होता है, जो जैसे मॉड के भी अंदर लेके आ पाओगे, जो जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं वहां पे तुम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो, तो स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो मैं लिमिट को अंदर लेके आ गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब ये तो तुम निकाल ही सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकलवाया था, इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, वन बाय टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो नीचे भी एक एक्स बाय टू का होल स्क्वायर दे देता हूँ, ठीक है, इनटू, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू टू जा फोर, इनटू एक एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था तो वन बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैं डायरेक्टली लेके आ गया क्योंकि मुझे मालूम है कि अब तुम लोग ये चीज समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, और नहीं होगा तो मुझे बोलोगे, तो इसे और इसे कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या आया, वन बाय टू इन टू, ये टू और ये कैंसिल करो तो वन बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, वन बाय एट, खेला खत्म।
किसी को लिखने का मैंने लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछोगे, कहीं भी डाउट है तो पूछोगे, डाउट होना स्वाभाविक है, बार बार कह रहा हूँ डाउट होना स्वाभाविक है। अब टीवीएस एंट्रेंस का मिलेगा आज से, आज से टीवीएस एंट्रेंस का मिलेगा। लिमिट को ब्रैकेट के अंदर लाने से डिफरेंस क्या होगा? इसमें कोई अंतर नहीं हुआ, मगर बस बता रहा हूं तुम्हें, समझ में आया? यस सर। यहां पे मीनिंगलेस है, समझ में आया? यहां पे ये मीनिंगलेस है। आगे चलूं? सर लाइन नंबर 23 में वो 1/2 कहां से आया? ये वो तो वो देखना, ये 2 है, ये 2 है, ये स्क्वायर है, आया समझ में? हाँ सर। मगर क्या हो सकता है कि क्या पता तुम्हें 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 वो करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कभी ऐसा फॉर्मूला ये सेम सम ऐसा दे दे, मतलब ये सेम सम, ठीक है, 1 - cos(1 - cos x) / sin^4x का होल स्क्वायर दे दे, समझ में आया? कभी ऐसा भी आ सकता है, या यहाँ पे कभी मॉड पूरा दे दे, तो क्योंकि अब तुम जानते हो स्क्वायर मॉड ये सब में तुम क्या कर सकते हो, इसको अंदर लेके जा सकते हो। आगे चलूं? Yes. आगे चल रहा हूं, तो समझ में आया क्या? आर्गुमेंट को ध्यान दो, आर्गुमेंट को ध्यान दो कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। टीवीएस थोड़ा कम समिट तुम लोग कर रहे हो, रीजन नंबर 1 कि मैं एक आसान टॉपिक पढ़ा रहा था, रीजन नंबर 2 कि मैं बहुत खराब पढ़ा रहा हूं आजकल, रीजन नंबर 3 कि तुम्हें इतना चीज समझ में आ रहा है, तुम्हें इतना चीज समझ में आ रहा है कि तुम्हें टीवीएस करके बोर लग रहा है, रीजन नंबर 4 तुम्हारे स्कूल का एग्जाम आ रहा है, रीजन नंबर 5 यूरो कप चल रहा है। तो अगर रीजन नंबर 5 है ना, तो ध्यान से देख लेना कि टाइम ही नहीं मिलता ऐसा, 9:30 से लेके 11:30, 12:30 से लेके 2:30, कहाँ टाइम मिलता है, एक महीना के अंदर बर्बाद हो जाओगे, समझ में आया? कोको कोला पी लो थोड़ा सा, कोई चिंता नहीं है, मगर ज्यादा यूरो मत देखो, कभी कभी कोको कोला पिया जा सकता है। लिखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin 2 sin 2 tan 2 tan 2 tan x, आगे चलते हैं। नहीं पीना चाहिए, ठीक है, तो कोको कोला भी मत पियो मगर यूरो भी मत देखो, हाँ दोनों ही सेहत के लिए बुरे हैं। कुछ कुछ मैच देख सकते हो, हाँ अच्छा आप मुझे ये बोलो, एक्स अगर 0 की ओर जा रहा है तो ये आर्गुमेंट किसकी ओर जा रहा है? मुझे हेल्प चाहिए ना, मैं पहले ही कह रहा हूं, हाँ मुझे, क्योंकि आज का टॉपिक कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं, आज का टॉपिक ट्रिकी है, जिस दिन मैं कॉन्टिन्यूटी पढ़ाऊंगा उस दिन मैं इतना सम तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि तब मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म है, जो मैंने अभी ग्रे रंग में किया है वो किसकी ओर जा रहा है, और किसी को डाउट है तो मुझे बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स 0 डाल दोगे तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, अब मैं भी बोल रहा हूँ साइन 0 0 हो रहा है, फिर से साइन 0 0 हो जा रहा है, 2 × 0 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, आर्गुमेंट 0 हो रहा है तो दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, अगर आर्गुमेंट 0 हो रहा है, अगर आर्गुमेंट 0 हो रहा है 2 sin x वाला, तब मैं इस वाले को क्या करूं, नीचे लेके आ जाऊं, क्यों क्या फायदा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इनटू, अब क्या करूं, जो रह गया
अब जो आर्गुमेंट है इसे देखो, ये ब्लू वाला आर्गुमेंट क्या हो रहा है, ये किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर। तो नीचे एक टू साइन एक्स लेके आ गया दोबारा, तो ये क्या हुआ, ये भी किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर इनटू। अब क्या करोगे, टू साइन एक्स को फिर से एक्स दे दो मल्टीप्लाइड बाय एक्स। समझ में आया, मैं इसे एक नाम देता हूं, जानते हो क्या, चेन रूल ऑफ आर्गुमेंट, ऐसे ये मेरा नाम है। समझ में आया, ये नाम चेन रूल जैसा ही है, नहीं एक एक करके करते जाओ। तो सेम आप 10 के लिए काम करो, 10 के लिए जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 10 ऑफ क्या, 2 10 x, क्या रहे, क्या होगा नीचे, डिवाइड बाय 2 10 ऑफ 2 10, क्योंकि ये, क्योंकि ये 1 ये, तो इससे फायदा क्या हो गया, मगर ये तुमने चेन रूल है, ये तुमने अगर इंट्रोड्यूस किया है तो इसे हटाओगे भी, 10 ऑफ 2 10 x, तो फिर नीचे क्या आ जाएगा। अब तो केवल इसके लिए बोल रहे हो, इसके लिए ना केवल ये आर्गुमेंट है 2 10 x, तो इनटू कितना, 2 10 x by x into x, तो x x तो गया घूमने, ये 2 2 गया, ये 2 2 गया, इसका वैल्यू क्या, 1 1 1, इस रेड वाले का वैल्यू क्या, 1 1, ये ब्लैक वाले का पूछ के क्यों तुम लोग को शर्मिंदा करूं, इस वाले का वैल्यू फिर से 1, इस वाले का वैल्यू फिर से 1, इस वाले का वैल्यू फिर से 1, इसलिए आंसर 1 × 1 × 1 / 1 × 1 × 1 × 1 खेलना खत्म। आया समझ में, इसीलिए जब मैं स्टार्टिंग में देता हूं तो देखो, ठीक है, ऊपर दे रहा था सर क्या बता रहे थे आप, सर क्या जरूरत है, मगर अब समझ में आया ये इसका जरूरत है, ठीक है, ध्यान से देखो आर्गुमेंट को, ध्यान दो, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, ठीक है, हाँ, कि तुम एंजॉय नहीं कर सकते हो, तुम यूरो नहीं देख सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, मगर तुम्हें लिमिट को क्रॉस नहीं करना होगा, और टाइमर देना भूल गया था, 45 सेकंड का देख लेता, सर बोलते जा। सर लास्ट सम में जो आपने वो लिमिट को अंडर लिया था वो कब होता था, एक बार बता देंगे फिर। नहीं, वो किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में कर सकते हो, मैंने दूसरे बैच में बोला ही नहीं है क्योंकि उसका अभी तक यूज ही नहीं पड़ा है, बस मुझे लगा कि तुम लोग को बोल देता हूँ, स्क्वायर में तुम लेके जा सकते हो, मॉड में लेके जा सकते हो, जो कॉन्टिन्यूस है, बॉक्स के अंदर लेके नहीं जा सकते, बॉक्स डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है, बस ऐसे ही मैंने बता दिया, उसके ऊपर, उसके ऊपर मत जाओ, हाँ वो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, मैं तो बताते हुए बोला कि मैंने दूसरे बैच में नहीं बताया, मतलब एक सम भी उसका नहीं करवाया, करवाऊंगा, घबराते क्यों, हाँ बस ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया वो एक चीज, हाँ एक लैंग्वेज, हाँ आगे चलते हैं, ठीक है, वहां पे उस चीज का कोई जरूरत ही नहीं था, आगे चलो, चलो तो फिर आगे चलता हूं। एल हॉस्पिटल रूल, प्रूफ बाद में दूंगा, पहले समझ कराऊंगा। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर कभी तुम्हें लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स ए निकालने के लिए दिया है, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, और इसका वैल्यू या तो जीरो बाय जीरो हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, रुक जाओ एक काम करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री अगर शुरू किया, अच्छा बोलो इसी इसी रूप में पढ़ाता हूँ कल वाला, हाँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, और इसका वैल्यू अगर जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो टेंडिंग वैल्यू, तब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता है अगर ऊपर नीचे तुम डिफ्रेंशिएट कर देते हो। ध्यान से देखो, ये यूवी रूल नहीं है, न्यूमरेट यू बाय वी रूल नहीं है, यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करोगे, अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करो, यू बाय वी नहीं है, हाँ अगर क्या पता ये भी सर जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, तो और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना, क्या जाता है,
तो ये f डबल डैश x डिवाइडेड बाय g डबल डैश x हो जाएगा। तो सर ये कितने बार करना होगा? मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है 4-5 बार करने से आंसर आ जाता है, और कई बार तो एक बार से ही आ जाता है। जैसे जैसे अब ऊपर वाले में तुमने एक सम देखा था लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एकदम बेसिक सम है। तुम बोलोगे कि सर डायरेक्टली भी तो हो सकता था, होल स्क्वायर यही सम था ना, यही सम था ना, ठीक है। मेरा कहना है कि अगर मैं इसे होल स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x / x स्क्वायर। अगर तुम x टेंडिंग टू 0 डालोगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है बोलो? 0/0 हो रहा है ना, 0/0। तो अगर मैं यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दूं, क्या हो जाएगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर। अब आया समझ में? तो ये 1/2 का होल स्क्वायर क्या आया, 1/4 आ गया। देखो तो तुम क्या बोलते हो, किसको डिफरेंशिएट करना आसान है, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान था या केवल 1 cos x को डिफरेंशिएट करना आसान था? 1 cos x को, ठीक है ठीक है। मतलब एक्चुअली में सम ये नहीं रहता ना, सम तो ये नहीं रहता, सम तो तुमको ये दिया रहता 1 cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x^4। तो अब इसे अगर तुम डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हें इसे 4 बार डिफरेंशिएट करना होता, होता है नहीं। इसे खत्म करने के लिए कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 4 बार। मगर x स्क्वायर को खत्म करने के लिए एक ही बार डिफरेंशिएट करने से sin x आ गया मेरे पास। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे कुछ समझ में जाएंगे और मजा आएगा, घर में करोगे और मजा आएगा, वहां सबमिट करोगे और मजा आएगा। x टेंडिंग टू a है या 0 है? नहीं, x टेंडिंग टू a है, सब में a है, जरूरी नहीं वो 0 हो, वो मैंने गलती लिखा है, वो सब में a है। आगे चलू? हो गया, निकलू आगे? Yes, sir. एक सेकंड, yes, किसी ने बोला है? नहीं, किसने रुकने बोला है? रुक जा, हो गया सर, हो गया, चलो आगे चलता हूं। फॉर्म क्या है? फॉर्म, फॉर्म 0 डाल के देखो फॉर्म क्या है। जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो। तो अगर मैं ऊपर एल हॉस्पिटल रूल, अगर ऊपर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? एल हॉस्पिटल रूल लिमिट e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e to the power x, e to the power minus x का differentiation में एक minus आएगा तो plus e to the power minus x minus 2/1 minus cos x, यही होगा। ध्यान से देखो, differentiation भी देख सकते हो, e to the power x का ये differentiation होगा, minus x का ये होगा, minus 2x का ये होगा, x के लिए 1 होगा, sin x के लिए cos x होगा। x tending to 0 डाल के देखो क्या हो रहा है, 0/0 तो फिर क्या करूंगा, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूं। तो अगर फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय cos x का डिफरेंशिएशन sin x, फिर से क्या फॉर्म हो रहा है देखो, फिर से 0 बाय, किसी को प्रॉब्लम है फॉर्म क्या हो रहा है तो ध्यान से देखो, रे ये पुट अप कर रहा हूं मैं, हां इज इक्वल टू, तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाओ तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x sin x के बदले क्या बोलो, cos x, x tending to 0, 1 + 1/1 is equal to 2, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मेहनत करो, ठीक है। मतलब मैं यूरो का जो बात कह रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद पछता रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, हाँ मैं खुद बैठता हूँ देखने के लिए कि अरे 10 मिनट चाय पी के देखता हूँ कि अरे 10 मिनट के लिए देखता हूँ, इतना फास्ट गेम होता है कि वो 10 मिनट का 45 मिनट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो मुझे वही एक शक है, ठीक है, कि मैंने फिर मैं अपनी बच्ची के साथ बैठ के देख रहा था तो मैंने देखा कि लास्ट 7 डेज मैंने उसके साथ सीटिंग ही नहीं दिया था, ठीक है। तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो मुझे फिर लगा कि क्या पता ये नुकसान तुम लोग का भी हो रहा है, तो इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा डिस्कस करूं। तो तुम्हें बस नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को भी ये समझा रहा हूं। चलो आगे चलो।
यस सर चलो तो मैं एक्चुअली मैं अभी इस वाले में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ हाँ क्योंकि मैंने इसलिए पहले मैंने डिफरेंशिएशन बोर्ड लेवल में चेन रूल्स ये सब करवा दिया है और उसका रीजन यही है कि लिमिट कराने से पहले जब मैं कोई एक चीज कराता हूँ उसका मेरा मेन रीजन यही था कि तुम्हें एल हॉस्पिटल में जरूरत ना हो ये 0/0 फॉर्म हो रहा है cos 0/1 होता है एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो नीचे टेन स्क्वायर का 2 tan x into tan x sec x square x कितना बड़ा आ जाएगा मुझे टेन स्क्वायर एक्स अच्छा नहीं लग रहा है कुछ दिमाग में आ रहा है अब तुम्हें समझ में ज्यादा आएगा कि क्यों मैंने सबसे पहले वाले स्टेप में वो चीज तुम्हें बताया था क्या कि टेन स्क्वायर को हटाने का पहले कोशिश करो एल हॉस्पिटल नहीं वो तो बाद में भी लग सकता है क्यों क्या फायदा इसका वैल्यू 1 होके ये क्या हो जाएगा बाहर आ गया तो क्या मिला 1 माइनस इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो बोलोगे सर फायदा क्या हुआ अभी भी ये 0/0 है मगर फायदा जबरदस्त हुआ है अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आसान होता है तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो क्या बनेगा ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 का डिफरेंशिएशन 0 cos 4x का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस हो जाएगा sin 4 sin x cos 6x प्लस 6 ऑफ sin 6x cos 4x डिवाइडेड बाय 2x मुझे कोई बोलेगा अभी क्या फॉर्म हो रहा है अगर x 0 की ओर जाए तो क्योंकि मुझे दिख रहा है क्या मुझे ऊपर sin 4x दिखा मुझे sin 6x दिखा ये 0 मगर नीचे x भी दिखा तो और एक बार अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसके 2 टर्म और इसके 2 टर्म कितने लंबे टर्म्स आ जाएंगे आंसर आ जाएगा मगर क्यों करूं तुम बोलोगे सर क्यों क्योंकि अब यहाँ पे जो एल्गोरिथम लगाऊंगा उसका नाम है अलग अलग एल्गोरिथम अरे अलग अलग एल्गोरिथम कुछ नहीं अलग अलग एल्गोरिथम ये कहता है कि a/a + b/c को तुम a/c + b/c लिख सकते हो तुम भी बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो ऐसे ही नाम दे के अगर मैं अलग अलग कर दूं तो ये वाला तुम्हें क्या देगा ये तुम्हें देगा 2 times of sin 4x के नीचे एक x ले आता हूँ इंटू कितना cos 6x प्लस अब ये अलग अलग इसके साथ क्या देगा 6/2 3 times of sin 6x / x इंटू cos 4x तो इसका वैल्यू क्या हुआ 4 और इसका वैल्यू क्या हुआ आर्गुमेंट क्योंकि आर्गुमेंट वो नहीं है तो इसलिए आंसर क्या हो गया 2 × 4 × cos 6x cos 0/1 होता है प्लस 3 × 6 × 1 4 × 2 = 8 6 × 3 = 18 खेला खत्म लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे लिखना है तो लिख लो आया समझ में बाहर निकालने से डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी हो जाता है करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान मैं एक तो पास टेस्ट तुम्हें एलसीटी का दूंगा ही मगर वो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म होने के बाद का बुक मैंने दिया था तो वही वाले बुक का मैं तुम लोगों को जीरोक्स भी दे देता हूँ ठीक है कि हमारे पास तो किसी को अगर अभी भी बनाने का मन है कि नहीं सर अभी मुझे एक बार जरा देखने का मन है कि पास्ट ईयर में सम्स कैसे आते हैं ठीक है तो और करने का मन है तो कर भी सकते हो ये लिमिट्स का आर्काइव है और वैसे ही और एक किताब का मैं जीरोक्स देता हूँ क्योंकि उसमें ये वाला किताब में क्या होता है ना कि टॉपिक वाइज मैं तो आज टीपीएस टॉपिक वाइज ही देने वाला हूँ ठीक है स्टिल मेरे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो मैं तुम लोग को दे दे रहा हूँ तो दो एक ठीक है एक में प्रॉब्लम्स हैं और एक में वो है आगे चलूं यस सर यस सर तो अभी तक तुम लोगों ने क्या क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म देखा अभी तक तुमने एक ही इंडिटरमिनेंट फॉर्म तुम्हें मिला है वो है 0/0 आज तुम लोगों को एक्चुअली में जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिलेगा इन डिटरमिनेट फॉर्म जिसके ऊपर एलजेब्रा ऑफ लॉजिक लगाया जाता है वो 0/0 होगा इन्फिनिटी / इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी - इन्फिनिटी होगा और 0 × इन्फिनिटी ये 4 वो फॉर्म है जिसके लिए तुम्हें लिमिट सीखना पड़ रहा है अभी
ठीक है, कुछ और भी रीजन है मगर ये चार अभी मेन ये चार रीजन है, साथ में और तीन रीजन आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखोगे। तो तुमने जीरो बाय जीरो अभी देखा, वैसे ही अब तुम कोई भी चीज जानते हो कि कोई भी चीज अगर मैं फाइनाइट को जीरो से डिवाइड करूं तो वो हर समय इंफिनिटी होता है, नॉन जीरो फाइनाइट को। हाँ, अगर मैं कभी भी नॉन जीरो फाइनाइट को जीरो से डिवाइड कर दूं, नॉन जीरो फाइनाइट को अगर मैं जीरो से डिवाइड कर दूं तो वो इन्फिनिटी होता है। वो डिपेंड करता है प्लस या माइनस, वो डिपेंड करेगा जीरो किस साइड से जा रहा है और ऊपर में क्या है। तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी एक सम पूछूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स बाय एल एन एक्स माइनस वन बाय एक्स एल एन एक्स, तो मुझे बोलोगे ये फॉर्म क्या है। आराम से पुट अप करके देखो ना, एल एन जीरो इन्फिनिट एक्स टेंडिंग टू वन है, गलती किया है मैंने, सॉरी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन है, सॉरी, और एल एन वन जीरो होता है, क्या फॉर्म है तब ये? तुम्हारा ये फॉर्म हो गया कि वन बाय, तो तुम जानते हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ऐसा सम जब भी देखा है मैंने, मुझे जो मालूम है 95 या 99% टाइम मैं केवल दो ही ट्रिक लगाता हूं, क्या, आइडर एलसीएम लेता हूं नहीं तो रैशनलाइज करता हूं। रैशनलाइज कर दो, ऐसा सम जब भी मैं देखता हूं, तो यहां पे तो रैशनलाइजेशन क्या करूंगा, दिखने से ही लग रहा है एलसीएम ले लेता हूं, तो अगर एलसीएम ले लूं तो नीचे एक्स एल एन एक्स मिला और ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन मिला। एक्स अगर वन की ओर जा रहा है तो अब ये क्या फॉर्म हो गया, वन स्क्वायर माइनस वन जीरो, वन इंटू एल एन वन जीरो होता है। अब अगर मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स स्क्वायर के बदले ट्वाइस एक्स, एक्स एल एन एक्स के बदले वन बाय एक्स, नीचे यूवी लगने नीचे यूवी लग रहा है, प्लस एल एन एक्स वन इंटू एल एन एक्स। अब एक्स टेंडिंग टू वन है, पुट अप कर दो तो ये टू डिवाइडेड बाई ये तो वन हो गया, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू टू, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे, ऊपर भी मैंने कुछ लिखा था, कहीं डाउट है तो पूछो। डाउट होना स्वाभाविक है, समझ में नहीं आया ये बोलना भी स्वाभाविक है, समझ में नहीं आया बोलने से डरने से, फुटबॉल देख फुटबॉल सीख सकते हो समझ में नहीं आया अगर बोलोगे तो देखना, मगर चेस नहीं सीख सकते हो। जब चेस सीखते हो ना तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा जिसने चेस तुम्हें सिखाया होगा कि समझ में नहीं आया ये घोड़ा कैसे चलता है, उस वक्त अजीब लगता होगा कि घोड़ा ढाई स्टेप क्यों चलता है। मगर जब खेलने लगते हो तो धीरे धीरे पत्तियां खुलने लगती हैं, समझ में आने लगता है, ओ तो वही वाली बात है। तो जब तुम आगे चलूं, टाइमर देना भूल जाता हूं मैं, चलो बोल देना, मैं कभी कभी हाँ कुछ बोल रहा हूँ कि सर आगे चलिए, हाँ प्रॉब्लम, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू, फोर माइनस टू एल एन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट आवर ऑफ कॉस एक्स, एल एन जीरो माइनस इंफिनिटी होता है, फॉर्म क्या है, टेक योर टाइम। चलो तो मुझे बोलोगे सर हो तो क्या सर, पाई बाय टू तो एल एन पाई बाय कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, तो ये वाला आपका एल एन जीरो हो गया, वेरी गुड, एल एन जीरो तो ये माइनस इन्फिनिटी, आगे ऑलरेडी माइनस है तो मतलब ये वाला जो तय है ये इन्फिनिटी है, ये जो है ये इन्फिनिटी है, हाँ ठीक है, और ये जो है वो क्या है जीरो, तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है। तो इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म में जो मैंने देखा है 95% टाइम हम एक ही काम करते हैं, ट्राई टू गेट आइडर
जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कोई एक चीज लाने का कोशिश करोगे। ठीक है, तो अब कोशिश करता हूं, मगर कोशिश करने से पहले फिर से मैं दोबारा इसे लिख रहा हूं नीचे। तो डिनोमिनेटर में क्या लाना आसान है, श्योरली कॉस एक्स लेके आना ज्यादा आसान है, क्योंकि नीचे अगर डिनोमिनेटर के नीचे अगर मैं कॉस एक्स लेके आ जाऊं तो इससे ये बन जाएगा कि एल एन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट आवर ऑफ वन बाय कॉस एक्स। तुम बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, क्यों नहीं हुआ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आया। अब क्या करोगे सर, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। नहीं, क्या क्या तुम यह ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉस एक्स, मतलब जो फाइनल आर्गुमेंट है वो क्या है, फाइनल फंक्शन ऑफ कॉस एक्स। तो अगर जब भी ऐसा देखोगे ना, जब भी ऐसा देखोगे कि इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स है, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आएगा और आना भी चाहिए, सर क्या, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशंस। ये चीजों को आसान करता है। तो क्या सब्स्टिट्यूशन ले लूं, कॉस एक्स को टी, नहीं टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर है, तो टी स्क्वायर लेना ज्यादा अच्छा है या टी लेना ज्यादा अच्छा है, खुद सोचो ना, ड्यू टू स्क्वायर रूट, खुद सोचो ना। हाँ, तो मगर जब तुमने कॉस एक्स को टी स्क्वायर लिया, तो एक्स अगर पाई बाय टू की ओर जाएगा तो टी किसकी ओर जाएगा, तो टी प्लस माइनस वन की ओर जाएगा, मगर तुम जानते हो कि रूट पावर के अंदर कॉस है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए टी वन की ओर जाए, सॉरी टी टू जीरो की ओर जा रहा है, सॉरी हाँ मैंने गलती बोला, एक्स अगर पाई बाय टू की ओर जाएगा तो कॉस पाई बाय टू जीरो होगा, तो टी स्क्वायर जीरो, तो टी जीरो की ओर जाएगा। सबको टी के टर्म में चेंज कर दो, क्या आया लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, ये क्या आया, फोर माइनस टू एल एन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, वन बाय टी आया। टी स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो फोर माइनस फोर इंटू एल एन टी डिवाइडेड बाय वन बाय टी, क्या फॉर्म आया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या फायदा आएगा, लिमिट फोर का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा, माइनस फोर बाय टी, वन बाय टी का माइनस वन बाय टी स्क्वायर, टी टेंडिंग टूअर्ड्स जीरो है तो कैंसिल उन्सिल होके क्या आया, लिमिट टी टेंडिंग टूअर्ड्स जीरो फोर टी, तब तो ये जीरो हो जाएगा, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, इस चीज को समझो कि मैंने क्या किया, और कहीं डाउट है तो मुझे बोलो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं पहले कह रहा हूँ, एक तो पहले मैंने तुम्हें एक नया फॉर्म बताया क्या, इन्फिनिटी इंटू जीरो। सेकंड, मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया कि जब तुमने ध्यान से देखा तो ये यहाँ पे आर्गुमेंट कॉस एक्स में खत्म आ रहा है, तो क्यों ना मैं कॉस एक्स को ही सब्स्टिट्यूट कर दूं, मगर क्योंकि रूट है इसलिए मैंने उसे टी स्क्वायर दे दिया ताकि रूट मेरा हट जाए, डिफ्रेंसिएशन में मुझे ज्यादा आसान हो जाए। किसी को लिखना है तो लिख लो, डाउट है तो पूछ सकते हो, डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूं, पूछना तुम्हारा हक है, बताना मेरा धर्म है। सॉरी सर, यहाँ सेकंड स्टेप में डायरेक्टली सर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते क्या, आराम से लगा सकते हैं, समझ में आया, आराम से लगा, चेन रूल कहाँ पे लगाओगे सर, नीचे हाँ वरना आराम से लगा सकते हो वो तो, मगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, हाँ सर, इसीलिए हाँ। सर आप टीबीएस कब भेजेंगे, उसका टीबीएस अभी भेज देता हूँ, तुझे चाहिए तो खुला ही हुआ है, टी टू बैच, आगे चलूं, यस सर चलो। प्रॉब्लम इफ एफ डैस वन इज इक्वल टू एट, फाइन,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ कॉस एक्स माइनस एफ ऑफ वन होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. इस वाले का फॉर्म क्या हो रहा है, अगर एक्स जीरो की ओर जाए तो कॉस जीरो वन होता है, तो ऊपर एफ ऑफ कॉस एक्स एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन जीरो बाय जीरो. मैं 15 सेकंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए, फिर आगे चलता हूं. लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं तो एफ ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा. एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश होता है, क्योंकि मुझे एफ के बारे में नहीं मालूम है. अब चेन रूल लगेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस. ध्यान से देखो ये एफ ऑफ वन जो है ये कॉन्स्टेंट है, समझ में आ रहा है ना. एफ डैश वन मत लिख देना, ये कॉमन मिस्टेक होता है. क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स. क्या फायदा, क्या इसका कोई वैल्यू होगा. तुम भी बोलोगे सर क्यों बोर करते हो, छोड़िए ना, वन होगा. ठीक है तो लिख देता हूँ, वन होगा तो माइनस वन बाय टू. अब मैं अगर जीरो दूंगा तो कॉस जीरो वन होता है, तो एफ डैश, अगर एफ डैश वन का कोई वैल्यू, सॉरी ये एफ डैश वन तरीका, एफ डैश वन है रे, एफ डैश वन एट है, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ एफ डैश वन एट है. तो अगर एफ डैश वन एट दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय टू इंटू एट इज इक्वल टू कितना, माइनस फोर. खेला खत्म. एफ डैश वन दिया हुआ था, एक्स नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, लिखना है तो लिख लो. आगे चलूं? यस सर. चलो आगे चलता हूं. और कोई लिख रहा है तो मुझे बोलेगा प्लीज, हाँ कि सर रुक जाइए. हाँ मेरी बेटी खुद ही बहुत स्लो लिखने वाली है, हाँ उसे मैं देखता हूँ कई बार जूम क्लास में, हाँ तो इसीलिए. प्रॉब्लम तो इसलिए बोलोगे तो समझ में आएगा ना रे, हाँ कि तुम लिख रहे हो मैं रुक जाऊंगा, कौन सा बहुत बड़ा बात है. g of x f of a माइनस, नहीं बोलोगे तो कैसे, हाँ g of a f of x डिवाइडेड बाय x माइनस a. पहले मुझे फॉर्म बोलो, जीरो अब एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा. इसमें एक्स वेरिएबल है, याद रखो रे, क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो एल हॉस्पिटल रूल जो लगेगा तुम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे. हाँ ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में रखता है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लगेगा. ठीक है चलो अब शुरू करते हैं. एक्स ए की ओर जा रहा है, एफ ऑफ ए, यहाँ पे दो टर्म है एफ ऑफ ए और जी ऑफ एक्स. तो इसमें जी ऑफ एक्स वेरिएबल है, एफ ऑफ ए तो कॉन्स्टेंट है, इसलिए जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो जी ऑफ एक्स के लिए जी डैश एक्स, मगर एफ ऑफ ए के लिए क्या हो जाएगा बोलो. धत तरीका, मैंने गलती किया, यूवी लग रहा है ना, यू सॉरी मल्टीप्लीकेशन है इसलिए इतना लिखा, जी डैश एक्स इंटू कितना एफ ऑफ ए, यूवी नहीं लगेगा ना, एफ ऑफ ए तो कॉन्स्टेंट है माइनस. अब यहाँ पे क्या होगा था बोलो, जी ऑफ ए तो कॉन्स्टेंट है और एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, मगर ए का डिफ्रेंशिएशन जीरो. अब अगर एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश ए इंटू क्या एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू कितना एफ डैश ए. खेला खत्म, ये इसका आंसर होगा. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. आगे चलूं और लिख रहे होगे, 30 सेकंड दे देता हूं.
चलूं आगे? यस सर, यस सर। तो ये एल हॉस्पिटल रूल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। नीचे एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स मतलब नीचे अगर मैं जीरो का ऑर्डर पूछूं तो जीरो का ऑर्डर क्या होगा तब बोलूं? जीरो कितने बार मिल रहा है? दो बार। तो इसे मैं टेन स्क्वायर एक्स, दो और एक्स के लिए जीरो, तो अल्टीमेटली तीन हो गया, नहीं क्या? Yes. तो ऑर्डर समझ में आना क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो सर जीरो का कोई ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, मैंने डिफाइन किया बस लिमिट्स के लिए क्या होता है। तो इसलिए दिखने से लग रहा है कि तीन बार डिफरेंशिएट करना होगा, मगर जब तुम एक्स टेन स्क्वायर एक्स को तीन बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम बोलोगे सर इससे अच्छा यूरो ही देख लेते हैं, क्योंकि मोटिवेट होकर कोको कोला नहीं खाएंगे। तो मेरा कहना है क्या इस टेन स्क्वायर एक्स के लिए कुछ कर सकता हूं? यही तो प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। क्या बताया गया है कुछ तुम लोगों को आज? गुड भाई, मुझे अच्छा लगा सुन के कि हाँ मैं कुछ सिखाने के लिए आया था, और जो लोग को डाउट है उन्हें भी अच्छा लगा कि नहीं मेरे में ही कुछ कोई स्टूडेंट सीख गए हैं, सर और एक बार समझा दीजिए क्या क्या है, क्या फायदा, ये कहाँ पे आ जाएगा बाहर, क्या हुआ? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एल एन ऑफ वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब देखो क्या फॉर्म है, जीरो बाय जीरो, वो ऊपर भी हो रहा है, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन कैंसिल हो जा रहा है, वन साइन ये तो वैनिश ही हो जा रहा है, ये वन हो जा रहा है कैंसिल, एल एन वन भी तो वैनिश ही हो जा रहा है। तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या होगा, वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स, और प्लस ln 1 minus x का differentiation 1 by 1 minus x multiplied by minus 1 divided by x cube का differentiation 3x square। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ सर, LCM ले लेने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, होगा, मगर LCM लेने से फिर तुम प्रोडक्ट में ले आओगे, उस चीज को समझो, मुझे प्रोडक्ट में नहीं चाहिए। UV रूल जो है ना वो बहुत अच्छा रूल है, मगर वो टर्म को बड़ा करता है। UV को जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे दो टर्म मिलता है, दो को डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर और दो एक्स्ट्रा चार टर्म मिल जाएगा, चार को डिफरेंशिएट करूंगा तो आठ टर्म मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं इस एक्स माइनस वन में एलसीएम ले लूं ना तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ अभी क्या फॉर्म है डाल के देखो, जीरो अगर डालोगे तो कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो तो ऐसे ही वैनिस हो गया, ये माइनस वन है तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या फॉर्म आ रहा है फिर से जीरो बाय जीरो। तो इसलिए फिर से क्या करोगे, फिर से डिफरेंशिएट करोगे, कॉस एक्स के लिए माइनस साइन एक्स, साइन एक्स के लिए कॉस एक्स, प्लस माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, थ्री टू जा सिक्स एक्स, क्या फॉर्म आ रहा है? जब तुम एक्स टेंडिंग टू जीरो डालोगे तो, जब तुम एक्स टेंडिंग टू जीरो डालोगे तो साइन जीरो कॉस जीरो वन, फिर ये माइनस वन, फिर से कैंसिल, तो फिर से जीरो बाय जीरो आ रहा है। और एक बार अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं, एल हॉस्पिटल रूल है ये, और एक बार अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय सिक्स। अब जीरो आने का बात ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर का एक्स हट चुका है, अब मैं इसलिए डायरेक्टली जीरो डाल देता हूँ। कॉस जीरो का वैल्यू माइनस वन है, साइन जीरो जीरो है, तो माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। कहीं किसी को समझ में नहीं आया तो बोलोगे, लिमिट देख के तुम्हें आज अच्छा लगा होगा तो तुम लोगों में से कईयों को मोटिवेट हुए होगे लिमिट करेंगे। अब लिमिट करेंगे तो और एक मोटिवेशन आया होगा, यूट्यूब वाले भैया कितने अच्छे से लिमिट समझाते हैं, और मैं भी मानता हूँ वो यूट्यूब वाले अंकल जो है वो मुझसे अच्छा समझाते हैं, तो आराम से यूट्यूब वाले अंकल का भी वीडियो देख लेना। मगर प्रॉब्लम ये होने लगेगा कि जब YouTube वाले अंकल का वीडियो देखोगे तो सर का TBS सबमिट कर देना जो मैंने भेजा है आज, और फिर क्या होगा तुम्हें लगेगा जब मैं YouTube वाले अंकल का वीडियो देखता हूँ तो TBS क्यों सबमिट करूँ,
YouTube वाले अंकल का TBS सबमिट करूंगा, मगर प्रॉब्लम है कि YouTube वाले अंकल TBS देते नहीं है, बस सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहते हैं, तो उनका उनका तो धंधा ही कुछ और है कि TBS देने से सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, तो इसीलिए बस वो देखते रहते हो, तो इसका मतलब है तुम स्पेक्टेटर हो जाते हो, प्लेयर नहीं होते हो, यूरो जैसा हाल हो जाता है, कोको कोला बुरा है, तो इसलिए TBS सबमिट किया करो, समझ में आया? मैं खुद यूट्यूब से सॉल्यूशन देखता हूँ, मेरी बच्चे को मैं खुद परसों से क्वालिटी एजुकेशन पढ़ाना था, मैंने कहा तरीका मैं क्या पढ़ाऊंगा यूट्यूब में, मैंने खोल के रख दिया देख यहाँ से देख, मगर मैंने उसे एक बार बोला बेटा देख ले यूट्यूब से, मगर मुझे उसका असाइनमेंट शीट जो स्कूल से दिया हुआ वो सबमिट करके मुझे दे देना, समझ में आया? तो वीडियो जहां से भी देखो, MIT का प्रोफेसर का देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है MIT से पढ़ रहे हो, मगर अगर TBS सबमिट नहीं कर रहे हो तो पढ़ नहीं रहे हो, देख रहे हो, यू आर अ स्पेक्टेटर, और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। 12th का तो एग्जाम होगा नहीं इस साल, ऐसे ही लग रहा है, दोबारा ही लग रहा है, गवर्नमेंट तो कुछ बोल ही नहीं रही है क्या करने वाला है, तो चीजें वहीं पे खत्म हो जा रहा है। हो गया, निकलू आगे, थोड़ा रुक जाएंगे। यस सर, ठीक है रुक जाता हूँ थोड़ा सा। ये TBS मुझे अच्छा लगा, हाँ मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग में से कुछ लोग बोल सकते हो सर वो टाइम का बर्बादी होता है, मगर मुझे नहीं लगता है, हाँ क्योंकि वो एक लेवल में तो लेके आ जाता है। हो गया ठीक है, मगर वही वाली बात है, सबमिट वही करेगा जो एक लेवल में जाना चाहेगा, जो नेक्स्ट लेवल में जाना चाहेगा, अगर नहीं लेके जाना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? डिटरमाइनिंग कांस्टेंट, तो डिटरमाइनिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को डिटरमाइन करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नॉन जीरो फाइनाइट अगर तुम्हें मिल जाएगा और नीचे अगर जीरो मिलता है तब तो ये इन्फिनिटी होगा, ये कभी भी फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा तुम्हें। तो जैसे अगर मैं प्रॉब्लम तुम्हें कहता हूं कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हैज अ फाइनाइट वैल्यू, हैज अ फाइनाइट वैल्यू, फाइंड ए बी एंड द लिमिट। सम लिख लोगे एक बार सॉल्यूशन, 15 सेकंड दे रहा हूं। आगे चलूं? यस सर। क्या फॉर्म है एकदम मुझसे फॉर्म बोलो, अगर मैं डालूं तो ऊपर क्या मिला? ध्यान से देखो रे, मैं सबको फिर से कह रहा हूं, हाँ प्लेयर बन जाओगे, स्पेक्टेटर मत बनो, ध्यान से देखो। अब मेरा कहना है रे, ऊपर a प्लस बी प्लस 3 है और कह रहा है कि हैज अ फाइनाइट वैल्यू, तो ये फाइनाइट वैल्यू तो तभी होगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कर पाऊं, मगर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन तो केवल 0/0 के फॉर्म का होता था। इसका मतलब है कि एक इंपॉर्टेंट चीज होना पड़ेगा, इसे 0 होना पड़ेगा, अगर ये 0 नहीं हुआ तो नॉन 0/0 हर समय इनफाइनाइट होगा, मगर क्वेश्चन क्या कह रहा हैज अ फाइनाइट वैल्यू, मतलब मुझे कंडीशन नंबर 1 मिल गया, क्या कंडीशन नंबर 1 मिला कि a प्लस बी प्लस 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है सम क्या कह रहा है? सम कह रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे और इसका फाइनाइट वैल्यू है तो कह रहा है कि a b और लिमिट निकालो। मैंने जब x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 डाला तो डिनोमेटर में 0 आ गया, तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, मेरे ख्याल में समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूं, अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आई से एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1, और अब ये क्या फॉर्म दे रहा है? नीचे वाला 0, ऊपर वाला बी, ट्वाइस ए प्लस बी, तो क्या बोलोगे?
फिर से नीचे जीरो आ गया तो क्या कंडीशन आएगा, तो आई से प्लस बी का वैल्यू जीरो। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर से क्या कर सकते हो, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूं, तो अब क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन तो आई से डिवाइडेड बाय टू, तो हैंस खेला खत्म ए। अब मेरे पास दो कंडीशन है, एक है ए प्लस बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन नंबर वन, ये वाला और एक ये वाला। क्या इन दोनों को सॉल्व करके मैं ए और बी नहीं निकाल सकता हूँ, छोड़ दू ना, ए निकल गया बी, अगर ए निकल गया तो पुटअप कर देना, तो लिमिट भी निकल गया, कहीं डाउट है तो बोलो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये चीज न्यूमरेटर में भी हो सकता है, हैज अ नॉन जीरो वैल्यू अगर दिया हुआ है, न्यूमरेटर जीरो तो डिनोमिनेटर भी जीरो होना पड़ेगा, तब वहां पे फाइनाइट वैल्यू में नॉन जीरो दिया रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम एल हॉस्पिटल तब भी लगा सकते हो, या लिमिट का एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन हम तभी करते हैं जब वो जीरो बाय जीरो होता है, नीचे जीरो आ गया ऊपर नॉन जीरो वैल्यू हो गया तब तो वो फाइनाइट होगा, तो उस चीज को मैंने इंपॉर्टेंस दिया है। आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. Just wait a minute. Hello. Sir. हाँ बोल। Sir, condition one and two में sir zero होने से भी तो वो दोनों indeterminate form है। तो वही तो चाहिए ना? Indeterminate form होने से ही तो तुम क्या बोलते हो उसे solve करके कोई finite value ला पाओगे ना? हाँ sir. अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं कर सकते, वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं तुझे कभी बोलता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू अस जीरो थ्री बाय एक्स, तो क्या बोलोगे, थ्री बाय एक्स स्क्वायर, क्या बोलोगे, इसमें कुछ काम करोगे या डायरेक्टली? हाँ, तो मगर वही अगर मैं बोलूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू अस जीरो एक्स बाय एक्स, फॉर्म देखो, फॉर्म देख, वैल्यू मैं नहीं पूछ रहा हूँ, एग्जैक्टली इसीलिए तू कैंसिल करके वन बोल रहा है। यस सर। आया समझ में? यस सर। तो अगर वो समझ में आ गया तो फिर ये वाला भी समझ में आ गया। प्रॉब्लम कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स टाइम्स ऑफ वन प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, अपना सॉल्यूशन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो x प्लस ए एक्स कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, वन को मैं बाद में लेता हूं। अगर x टेंडिंग टू जीरो दूंगा तो इसका फॉर्म क्या है? जीरो बाय जीरो। तो अभी कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन प्लस ए एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ए कॉस एक्स माइनस ए एक्स साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर, अभी क्या फॉर्म है थोड़ा सजा देता हूं पहले। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस ए माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्म आ रहा है? ए माइनस बी बाय जीरो, डिनोमिनेटर तो जीरो हो रहा है, ऊपर में ए माइनस बी बाय जीरो, ऊपर में ये टर्म है पूरा, क्योंकि कॉस जीरो जो होगा वो वन होता है, तो वन प्लस ए माइनस बी, तो क्या कंडीशन एक मिला? यस सर। कि वन प्लस ए माइनस बी जीरो होना पड़ेगा। अगर ये जीरो है तो अगर फिर से और एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो एल हॉस्पिटल रूल तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन का डिफरेंशिएशन जीरो ए माइनस बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर के बदले सिक्स एक्स। अगर मैं साइन एक्स को कॉमन ले लूं तो लिमिट एक्स टेंडिंग आसान हो जाएगा, इसलिए
ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ट्वाइस ए प्लस बी ऑफ साइन एक्स माइनस ए एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स एक्स। क्या फॉर्म आ रहा है देखो तोरे, जब तुम एक्स टेंडिंग टू जीरो डालोगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, नीचे एक्स है। मगर मेरे ख्याल में यहाँ पे अलग अलग करने से भी हो जाएगा, ध्यान से देखो जो मैंने कलर किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइन एक्स बाय एक्स वन दे देगा और यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एल हॉस्पिटल लगाने से भी आंसर आएगा। मगर मेरा कहना है कि अलग अलग कर दो, ये भी तो एक तरीका है अलग अलग। तो अगर अलग अलग कर दूं तो क्या मिलेगा, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बी माइनस ट्वाइस ए डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स माइनस ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या देगा ए बाय सिक्स कॉस एक्स। हेंस इसका वैल्यू तुम्हारे पास साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू वन होगा, तो b माइनस टू ए बाय सिक्स माइनस ए बाय सिक्स इज इक्वल टू लिमिट कुछ दिया हुआ था वन, तो खेला खत्म अगर वन दिया हुआ है तो। तो इससे तुम्हारे पास दो कंडीशन आ रहा है, एक कंडीशन क्या आ रहा है, एक कंडीशन याद रखना वन प्लस ए माइनस बी और ये किए, तो एंड क्या मिला वन प्लस ए माइनस बी। अब वो दोनों को सॉल्व करना तुम लोग का काम है, सॉल्व करके ए और बी निकाल लो, खेला खत्म हो गया। किसी को लिखने का मन है लिखो, नहीं लिखने का मन है तो स्पेक्टेटर बनो, स्पेक्टेटर बनना है तो मैथ्स का क्या बनो, यूरो का बनो, कोको कोला नहीं खाओ। आगे चलूं? हाँ सर। अरुण जी। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट मिनट। दो मिनट को। अच्छा लग रहा होगा मुझे लगा, मतलब अगर मैथ्स अगर स्पेक्टेटर नहीं हो तो अच्छा लग रहा होगा। अब छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं वो स्पीड में करवा देता हूं। फैक्टराइजेशन, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय फोर वन माइनस कॉट क्यूब एक्स टू माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स। चलो निकाल, अच्छा शुरू करता हूं। क्या फॉर्म है, फॉर्म का जरूरत क्या है, तरीका फॉर्म क्यों पूछूं, मुझे तो अच्छा नहीं लगा सब किसके नाम में, तो क्या करूं, सब्स्टिट्यूशन। तो फॉर्म क्यों देखूं पहले, यही तो पहले चीजों को छोटा ही करता हूं। हाँ ठीक है, यहाँ पे फॉर्म देखना आसान है मगर क्या पता कई बार छोटा करना ज्यादा बेटर हो जाता है। तो टी टेंडिंग टुवर्ड्स वन, हाँ तो क्या मिला लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड्स वन, तो क्या फॉर्म बना वन माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय टू माइनस टी क्यूब। अब बोल फॉर्म क्या है, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो। टॉपिक क्या है, फैक्टराइजेशन, ये टॉपिक है याद रखना, मगर लगाना थोड़ी ना जरूरी है। तुम बोलोगे सर आपने एल हॉस्पिटल क्यों सिखाया, सही बात है। डिफ्रेंसिएशन करो कितना आया माइनस थ्री टी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या
माइनस वन माइनस थ्री टी स्क्वायर, टी टेंडिंग टूवर्ड्स वन, तो माइनस थ्री बाय माइनस वन आंसर आ गया क्या, थ्री बाय फोर। तो सर नाम जो दिया था, अरे नाम ऐसे ही दिया था यार, वन माइनस टी क्यूब को कुछ लिख सकते हो क्या, वन माइनस टी प्लस, ये तो लिखना जानते हो, ये क्या सीखा हूँ। नहीं सर डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, हाँ डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन है, बाय इंस्पेक्शन एक रूट निकल ही रहा है वन, तो अगर वन रूट निकल रहा है तो एक काम करो ना, टी क्यूब नहीं निकल रहा है ना, जीरो नहीं हो रहा है, ये प्लस है, टी टर्निंग टूवर्ड्स वन, टी वन, हाँ हो तो रहा है, सही तो सही तो सही तो सही तो सही तो टी टर्निंग टूवर्ड्स वन, तो टी क्यूब माइनस टी प्लस टू, ओ सॉरी मैंने गलती लिखा इसलिए, तो वही तो नीचे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी माइनस टू, हाँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मुझे मैं इसमें एक काम करता हूँ, टी क्यूब माइनस टी लगा देता हूँ, क्यों सर प्लस टी है, ठीक है प्लस ट्वाइस टी कर देता हूँ, क्या फायदा, टी कॉमन ले लो, क्या कुछ कॉमन आया, तुम बोलोगे सर समझ में आ गया, ओ सर इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं, हाँ तो ये कौन सा बहुत बड़ा बात है, ये तो क्लास नाइन्थ में सीखे हो, टी माइनस वन प्लस टू, खेला खत्म, तो ठीक है एल हॉस्पिटल लगा दो, वो ज्यादा आसान है, किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं एक मिनट का टाइम दे देता हूँ, डेढ़ मिनट का ही देता हूँ, एक मिनट का ही देता हूँ, छोटा सा नहीं होने से बोल देना। फैक्टराइजेशन का मतलब है ऊपर और नीचे का कैंसिल होना, सर बोलते जा सर, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा तो सर वो फाइनाइट वैल्यू ही देगा क्या, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, हाँ मतलब एक बार जाके वो फिर फाइनाइट वैल्यू देगा, ऊपर तो आया था ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, जरा देखो जितना भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो क्या वैल्यू देगा तुम नहीं जानते हो, वो एक बॉक्स, वो एक लॉक लगा हुआ बॉक्स होता है, उसे खोलना होता है, वही खोलने का टेक्निक सिखा रहा हूँ अभी मैं, समझ में आया, वो नीचे t प्लस वन होगा, t प्लस वन, आगे चलूं, हाँ सर ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब जरूरी नहीं है कि वो इसी का फैक्टराइजेशन हो रे, जरूरी नहीं है वो इसी का फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन जैसे ऊपर वाले सम में तुम बोलोगे सर ठीक है सर मुझे सर अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि एल हॉस्पिटल अच्छा था, मगर ये वाला सम सपोज अब मैं तुम्हें देता हूँ, कॉस एक्स बाय टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स बाय फोर माइनस साइन एक्स बाय फोर, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय टू है, सम लिखना है तो लिख लो एक बार, नो डाउट नो डाउट, मैं दोबारा कह रहा हूं एल हॉस्पिटल से आंसर आ जाएगा, मगर मैं फैक्टराइजेशन से निकालूंगा, अगर एक्सटेंडिंग टू पाई है तो फॉर्म क्या आ रहा है, फॉर्म क्या आ रहा है, इसमें दो केस है कि हाँ तो ये पाई बाय टू हो रहा है, वन माइनस साइन पाई बाय टू, तो ये तो जीरो हो गया, ऊपर जीरो हो गया, नीचे कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू जीरो हो गया, अब तुम्हें देखना है, क्या देखना है सर मैं बताता हूं, सब्स्टिट्यूशन सर क्यों, बड़े बड़े सम में कई बार क्या होता है कि सोचने में मुझे अच्छा, मुझे x by 2 अच्छा नहीं लगा, मुझे x by 2 अच्छा नहीं लगा, मुझे x by 4 अच्छा नहीं लगा, तो सर क्या करोगे, मैं x को 4a डाल दूंगा, तो सर क्या फायदा, x अगर पाई की ओर जाएगा तो a किसकी ओर जाएगा, पाई बाय 4, तो क्या हो गया लिमिट a टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 4, क्या फायदा, 1 माइनस साइन 4a डिवाइडेड बाय, ये सब छोटा छोटा ट्रिक है, याद रखोगे तो अच्छा लगेगा, याद नहीं रखोगे तब भी अच्छा लगेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, अब सर क्या करें बता, साइन टू ए होगा, साइन ट्वाइस ए होगा, तो जब तुमने साइन ट्वाइस ए देखा, जब तुमने साइन ट्वाइस ए देखा और साथ में कॉस ए माइनस साइन ए देखा, तो क्या कोई फॉर्मूला दिमाग में आया, नहीं, वन माइनस साइन ट्वाइस ए का नहीं था वो, वन माइनस कॉस ट्वाइस ए का था, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये सब तो क्या हुआ है हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं किया है, कॉस ए माइनस साइन ए, दिस इज नोन एज फैक्टराइजेशन, क्या ऊपर नीचे कैंसिल हुआ,
लिमिट ए टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय फोर क्या आया, कॉस है माइनस साइन है, नीचे क्या आ गया कॉस ट्वाइस है। अब कॉस ट्वाइस है देख के कुछ याद आया, किसी ने अभी कुछ बोला था ऊपर में जो फॉर्मूला बोला था वो नीचे लगेगा क्या, कॉस ट्वाइस है देख के क्या आया कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब फैक्टराइजेशन आया क्यों कैंसिल होगा क्या वन बाय क्या कॉस प्लस साइन है। खूब मेहनत करो यार खूब मेहनत करो। अब वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, वन बाय टू बाय रूट टू इज इक्वल टू वन बाय रूट टू, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो दिस इज फैक्टराइजेशन। एल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे मैं फिर से कह रहा हूं ठीक है, सिखाया इसीलिए ना क्योंकि वो लगाओगे, मगर मैं अलग अलग चीजें तुम्हें सिखाते जा रहा हूं कि देखो हाँ ऐसे सोच सकते हो ये सोच सकते हो फलाना सोच सकते हो, मैं बस सोचना सिखा सकता हूँ उसके बाद करना तुम्हारा काम है। तुम लोग में से कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हो अच्छा लग रहा है, तुम लोग में से कई लोग बहुत मेहनत करने का कोशिश कर रहे हो वो भी अच्छा लगता है, तुम लोग में से कई लोग थोड़ा भी मेहनत नहीं कर रहे हो वही गलत लगता है। वो इसलिए गलत लगता है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक चीज है जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स। साइंटिफिक स्टडी में देखा गया है कि न्यूरॉन्स यूज करने से पैदा होता है ब्रेन में। पहले माना जाता था कि न्यूरॉन फिक्स्ड होते हैं, मगर लेट 90s में देखा गया कि न्यूरॉन को तुम दो काम कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो कि वो कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ज्यादा स्पीड में लेके जाए, और तुम न्यू न्यूरॉन्स भी ब्रेन में पैदा कर सकते हो। आगे चलूं? Yes, sir. बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि न्यूरॉन्स अब ब्रेन में पैदा करने के लिए वो जो मेहनत करना होता है वो थोड़ा ज्यादा है। आगे चलते हैं। रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस था, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रूट आवर ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू वन फाइंड ए एंड बी सॉल्यूशन। सम लिख लोगे एक बार चलो क्या फॉर्म है, क्या फॉर्म है अगर अभी मैं डालूं तो क्या हो रहा है रूट बी माइनस टू बाय जीरो, तो क्या होना पड़ेगा तब रूट बी माइनस टू को जीरो मतलब बी का वैल्यू ठीक है। रैशनलाइज कर दो तुम सर बोलोगे क्यों सर झूठ मूठ का एल हॉस्पिटल लगाइए ना बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, मगर मैं तुम्हें रैशनलाइजेशन बताना चाहता हूँ ताकि वो भी याद रहे। रूट हर समय एक बड़ा बड़ा सम करवाना बेटर नहीं है क्योंकि ये सब सम के बड़े बड़े सम्स कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। ए एक्स प्लस बी और कभी कभी फंसोगे भी तो मुझे वो भी तो चाहिए कि तुम फंसो भी ताकि आके मुझसे डाउट पूछो ताकि तुम्हें अदर चीजें क्लियर हो जाए। ए एक्स प्लस बी कई बार किसी किसी सम को मैं पढ़ाऊंगा कोई फायदा नहीं होगा, तुम फंस के मुझसे पूछोगे और उसके बाद देखोगे मैथमेटिकली वो कई बार ज्यादा बेटर होता है। ए एक्स बाय ये मैथमेटिकल रिसर्च में देखा गया है कि एक प्रोफेसर या एक मैथमेटिक्स का टीचर जब कोई एक चीज पढ़ाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अब वैल्यू अगर डालोगे तो ये रूट आवर ऑफ बी प्लस टू हो जाता है मतलब ए बाय टू प्लस टू ए बाय फोर मेरे ख्याल में इज इक्वल टू वन गिवन है तो हेंस ए का वैल्यू आ गया फोर। किसी को लिखना है तो लिख लो मैं आ रहा हूं हाँ दो मिनट में, लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? हाँ सर, हाँ सर, आगे चलता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू टेन स्क्वायर एक्स रूट आवर ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस फाइव, क्या फॉर्म है? पाई बाय टू डालो तो टेन पाई बाय टू का वैल्यू इन्फिनिटी माइनस साइन पाई बाय टू वन होता है, तो रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स तो इन टू जीरो, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो क्या फॉर्म आया? इन्फिनिटी इंटू जीरो तो क्या फॉर्म होगा? तो मैं डिनोमेटर में लेके आना होगा, मैं डिनोमेटर में लेके आऊंगा, मगर मैं उससे पहले एक चीज देखना चाहूंगा क्योंकि ये सब मैं करूंगा नहीं। हाँ, टेन स्क्वायर एक्स को कुछ लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाय रूट आवर ऑफ क्या, तो इस चीज को समझो। समझ में आया? केवल मेरे करने से फायदा नहीं होगा, तुम्हें खुद भी ट्राई करना होगा। मैं हजार टाइप के सम्स को करवाते जाऊं, तुम्हें लगेगा कि तुम प्रोड्यूस कर पाओगे, तो वो नहीं है, ये बोर्ड नहीं है। हाँ, तो x अगर पाई बाय टू की ओर जा रहा है तो क्या करूंगा? x अगर पाई बाय टू की ओर जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है? मैंने जिसे अभी सर्कल किया है, तो ये अननेसेसरी अंदर क्या कर रहा है? तो ये चीज को समझो ना कि उसे तुम बाहर निकाल सकते हो वन बना के, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा हुआ कि अब आगे तुम लोग खुद कर पाओगे, माइनस रूट आवर ऑफ कितना साइन स्क्वायर एक्स बाय फाइव डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कुछ दिखा? क्या दिखा? सबका सब किसके टर्म में साइन स्क्वायर, इसलिए मैं तो इसलिए मैं क्या लू, लेट टी इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स नहीं लूंगा, क्या लूंगा बोलो? साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि अगर साइन स्क्वायर एक्स लोगे तो टी साइन स्क्वायर एक्स जितना आसान करो उतना अच्छा है ना। टी टेंडिंग टुवर्ड्स वन क्या हो जाएगा? ये ट्वाइस टी प्लस फोर माइनस कितना टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय क्या वन माइनस टी, जीरो बाय जीरो है। एल हॉस्पिटल लगा दो या रैशनलाइज कर दो, तुम्हारे ऊपर है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। चलूं आगे? एक मिनट सर, ठीक है बोल देना। यस सर, ठीक है रुक जाओ। दो नाइन टू नाइन जीरो, चलो आगे निकल रहा हूं। Algorithm, we love larger infinity at denominator. ये इसलिए है क्योंकि कोई भी finite value, वो finite zero भी हो सकता है, divided by infinity zero होता है। Finite ही नहीं, smaller infinity ऊपर और larger infinity नीचे अगर जाता है तब भी ये zero होता है। तुम बोलोगे सर हमारे स्कूल के टीचर ने जब इन्फिनिटी सिखाया था बोला था इन्फिनिटी में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, वो मैं भी बोल रहा हूँ, मगर लिमिट के लिए अगर बड़ा छोटा मान जाओगे तो अच्छी बात है। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द इन्फिनिटी होता है एक चीज। जब मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करता हूँ तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स पावर फाइव का वैल्यू क्या होगा? तो बोलोगे सर ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है कर देता हूँ, वन बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला? वन बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, वन बाय इन्फिनिटी जीरो मिला ना। तो इसी चीज को इतना नहीं करके तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ऊपर में इन्फिनिटी का ऑर्डर क्या है थ्री, नीचे में इन्फिनिटी का ऑर्डर क्या है फाइव, तो बड़ा इन्फिनिटी कहाँ पे है? नीचे। तो इसीलिए अगर मैं तुमसे कभी भी तुम्हें ऐसा पूछूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी
x to the power 4 plus 1 by x to the power 6 plus 1. तो डायरेक्टली बोलोगे क्या होगा आंसर? ऊपर 4 है नीचे 6 है तो 0, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी पर है. मगर अगर इन्फिनिटी का ऑर्डर सेम होता है तब क्या होता है? हाँ, अगर इन्फिनिटी का ऑर्डर सेम होता है, जैसे x square plus twice x plus 3 divided by 4x square minus x plus 6. यहाँ पे infinity by infinity form कहते हैं. इससे हम infinity by infinity form कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे order same है. तो we love infinity at denominator, तो इसका एक ही algorithm है कि divide by larger infinity. Divide by term which gives larger infinity. तो यहाँ पे कौन सा term सबसे बड़ा larger infinity देगा? X square. X square. तो x स्क्वायर, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो x स्क्वायर से. तो अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा? लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिटी 1 प्लस 2 बाय x 3 बाय x स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 बाय x प्लस 6 बाय x स्क्वायर. x अगर इनफिनिटी की ओर जा रहा है तो 2 बाय x का वैल्यू 0, 3 बाय x स्क्वायर 0, 1 बाय x 0. तो आंसर क्या है बोलो? 1 प्लस 0 बाय 4 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना? 1/4. खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. स्मॉलर इनफिनिटी और लार्जर इनफिनिटी क्या है? ऑर्डर. ऑर्डर मतलब स्मॉलर और लार्जर होने से जीरो होगा. कौन सा? हाँ, अगर नीचे मतलब ऊपर स्मॉलर और नीचे लार्जर होने से ही जीरो होगा, वरना इन जनरल तुम्हें जीरो नहीं मिलेगा. और ऊपर अगर लार्जर है नीचे अगर स्मॉलर है तो आंसर इन्फिनिटी होगा. और अगर सेम है तब तुम अलजबरा लगाओगे. मतलब यहाँ पे भी वही आंसर आने वाला है. अगर तुम ऊपर नीचे x पर 6 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? देखो, स्मॉलर और लार्जर मैं ऑर्डर के टर्म में बोल रहा हूं. ओके सर. सीरियस ज्ञान उनका मेहनता प्रेजेंट सर. दीक्षित प्रेजेंट सर. अनुराग प्रेजेंट सर. निशान प्रेजेंट सर. स्पर्शन गिरिंद्रा प्रेजेंट सर. रुद्रनील प्रेजेंट सर. तीसा प्रेजेंट सर. बारबी प्रेजेंट सर. विनोना वेदांता नयन प्रेजेंट सर. सुदर्शन प्रेजेंट सर. रोशन प्रेजेंट सर. हर्षिता प्रेजेंट सर. तनवीर प्रेजेंट सर. हितांशी प्रेजेंट सर. प्रसुरजिया प्रेजेंट सर. अभिनव प्रेजेंट सर. मैत्री प्रेजेंट सर. रत्नजीत प्रेजेंट सर. आदर्श प्रेजेंट सर. सोहम प्रेजेंट सर. कृषानु सहबाज प्रेजेंट सर. रुद्राक्ष प्रेजेंट सर. भार्गव प्रेजेंट सर. रोहित अन्वेषा प्रेजेंट सर. आगे चलूं? हाँ सर. चलो तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 square plus 2 square up to n square divided by n cube plus thrice. तो ऊपर जब तुम ये वाला देख रहे हो तो तुम बोलोगे सर ऊपर n square है. नहीं, ये plus plus करके n square है, ये सिंगल टर्म नहीं है. इसका क्या कोई फॉर्मूला था? लिमिट n tending to infinity. हाँ, एक फॉर्मूला था क्या? n into n plus 1 into अब मुझे बोलो n का ऑर्डर कितना है, कितने बार n आया ऊपर? तीन बार. तो ठीक है, तो तुम बोलोगे सर नहीं सर ये क्यों नहीं ऑर्डर है, यहाँ पे n स्क्वायर नहीं. देखो
ये वाले में जब x इन्फिनिटी की ओर जाता है, मतलब अगर मैं x का वैल्यू 3 दूं तब भी ऊपर तीन टर्म ही होगा, x का वैल्यू 100 दूं तब भी तीन टर्म ही होगा, मगर यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। जब तुम यहाँ पे n का वैल्यू 10 दे रहे हो तो यहाँ पे 10 टर्म हो रहा है, जब n का वैल्यू 100 दे रहे हो तो इसमें 1000 दे रहे हो तो 1000 टर्म होगा इसमें, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर नहीं देगा तुम्हें। हाँ, अब ये फिक्स्ड हो गया, अब n का वैल्यू अगर मैं 10 दूं तभी यही तीन टर्म मिलने वाले हैं, और n का वैल्यू 10^10 दूं तभी यही तीन टर्म मिलने वाले हैं। अब क्योंकि ऑर्डर सेम है तो किससे डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने से पहले थोड़ा छोटा कर देता हूं, तो इसको अगर मैं करूंगा तो ये ट्वाइस एन क्यूब हो जाएगा प्लस थ्राइस एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय एन क्यूब प्लस थ्री। तो मुझे बोलोगे क्या फॉर्म हुआ ये, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो क्या करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा किससे, एन क्यूब से। अगर मैं एन क्यूब से डिवाइड कर दूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 + 3 / n / 1 / n³ डिवाइडेड बाय 1 + 3 / n³। क्या फायदा, सब जीरो हो गया, क्या आंसर आया, 2/6 इज इक्वल टू कितना, 1/3। खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे लिख लो सर, थोड़ा रुक, हाँ सर थोड़ा रुक, तो रुक जाता हूं। आगे चलो, हाँ सर ठीक है। अब एक चीज देखो, जो तुम लोग जानते हो कि रूट आवर से जब भी कोई चीज बाहर निकलता है तो वो मॉड एक्स होता है, मतलब ये डिवीजन वाला ही चीज है, मगर डिवीजन को मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ। हाँ, सपोज एन टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी है, रूट आवर ऑफ एन स्क्वायर प्लस 5 है डिवाइडेड बाय ट्वाइस एन माइनस 3 है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाला इन्फिनिटी बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ जब रूट आवर आता है तो रूट आवर ऑफ इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी ही देगा, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो मेरा कहना है मैं यहां पे थोड़ा अलग टेक्निक लगा रहा हूं, क्या मुझे अल्टीमेटली 1/n चाहिए ना, बिकॉज वी लव इन्फिनिटी एट डिनोमिनेटर, क्योंकि ये वाला वैल्यू तब जीरो हो जाता है, यही है ना, तो इसीलिए मैं एक काम करता हूं, नीचे एक n को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या मिला 2 - 3 / n, और ऊपर एक एन स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो बाहर मॉड एन आएगा रे, याद रखना 1 + 5 / n। तो अगर एन माइनस इन्फिनिटी की ओर जाए तो ये किसकी ओर जा रहा है, ये तो तुम भी जानते हो किसकी ओर जा रहा है, अरे चाहे जो भी हो जीरो ही बनेगा, बनेगा ही नहीं, ये भी किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर। अब ये कैंसिल नहीं कर सकते हो, हाँ बोलो, 5 / n² होगा, हाँ थैंक्स, 5 / n² मगर मॉड एन को क्या लिखोगे, एन टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी है, मतलब एन नेगेटिव है, तो मॉड एन को क्या लिखोगे, लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स, तो ये माइनस एन बाय एन, तो ये कैंसिल होके माइनस वन देगा, ये रूट ऑवर ऑफ 1 + 5 / n² देगा, और ये 2 - 3 / n देगा, तो ये और ये तो जीरो हो गया, ये माइनस वन हो गया, तो आंसर जो होगा वो -1/2 होगा। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहना है कि जब भी तुम रूट से बाहर निकालोगे तो मॉड दोगे, हाँ वो बोर्ड लेयर वाला चीज को याद मत रखना कि हाँ सर मॉड नहीं देने से भी चलेगा, लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? यस सर। चलो आगे चलो। मतलब मैं ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर x पॉजिटिव है और तुम x को रूट के अंदर लेके जाओ तो डायरेक्टली लेके जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर x नेगेटिव में तुम x को रूट के अंदर लेके जा रहे हो, लेके जा सकते हो, मगर आगे एक माइनस देना होगा, इसे याद रखो हर समय। हाँ, मतलब वो डिवीजन वाला अगर लॉजिक लगाओगे तो, रूट के अंदर अगर x को लेके जा रहे हो नेगेटिव वाले में, तो आगे माइनस देना जरूरी है, देना ही होगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, मगर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो एक नॉन नेगेटिव चीज को अगर तुम्हें नेगेटिव बनाना है तो आगे कंपेंसेटिंग फैक्टर देना ही पड़ेगा। आगे चलो। यस सर। यस सर। चलो आगे चल रहा हूं। तो देर इज वन मोर एल्गोरिथम जो ये कहता है कि अगर तुम्हें कभी x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी दिखे तो x इज इक्वल टू 1/2 इज अ गुड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक तरीका है, मतलब दिस इज अ गुड सब्स्टिट्यूशन, तो तुम ट्राई करके कभी देख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ सर, मगर जब तुम x को 1/t डालोगे तो ध्यान से देखना, अगर x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो t जीरो की ओर जाएगा, मगर कभी कभी मॉड का जरूरत होता है इसलिए वो जीरो प्लस होगा। मगर अगर x माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और तब तुम x इज इक्वल टू 1/t लगा रहे हो, तब t जीरो की ओर जाएगा, मगर पॉजिटिव साइड से नहीं, नेगेटिव साइड से। तो इसे मत भूलना। अगर तुम मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ, ये सब कराने के बाद तुम बोलोगे सर ऊपर वाला ट्रिक देख के आ गया। अगर मैथ अप्रिशिएट नहीं करते हो तब तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये फॉर्म क्या है, अभी क्या फॉर्म है, फॉर्म क्या, चिंता करो, बार बार कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी सोच रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर लाने के लिए सबसे सुंदर चीज है कि मैं x को 1/t ले लूं। अगर x टेंडिंग टू इनफिनिटी है तो t टेंडिंग टू जीरो प्लस होगा। देखो डिनोमिनेटर आ जाता है, समझो इस चीज को, डिनोमिनेटर जब तक नहीं आएगा तब तक तुम एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकोगे। इस चीज को समझो, डिनोमिनेटर के इंपॉर्टेंस को समझो कि तुम डिनोमिनेटर लेके आ गए। तो डिनोमिनेटर लेके सर क्या फायदा हुआ, डिनोमिनेटर लेके ये फायदा हुआ कि अब जब तुम जीरो डालते हो तो ये 0/0 है और तुम अब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो जो ऊपर नहीं लगा सकते थे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ था मैंने फॉर्म देखा ही नहीं, मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर दिया डिवाइडेड बाय ट्वाइस थी, क्योंकि वहां पे मैं कुछ कर ही नहीं सकता था एक्सेप्ट एक्सपेंशन के, जो मैंने अभी तक सिखाया नहीं। टी टेंडिंग टू जीरो प्लस, अगर और एक बार टी टेंडिंग टू जीरो प्लस, फिर से 0/0 फॉर्म हो रहा है, या एलसीएम ही ले लो कौन सा, तो क्या हो रहा है 1+t-1, तो ऊपर क्या हो गया 1 कैंसिल, टी डिवाइडेड बाय कितना, ट्वाइस टी इंटू 1+t, तो टी टी कैंसिल करो, खेला खत्म 1/2। कितने सुंदर तरीके से आंसर आ गया, ध्यान से देखो, अप्रिशिएट करोगे घर में बैठ के जब चार सम करोगे तो, कि सर हाँ सही सर, ये जरा अच्छा लगा देख के। सर हाँ बोल। तो आपने जो t टेंडिंग टू 0 प्लस और माइनस लिया से, उसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर क्या पता रूट ऑवर कहीं पे रहता तो इम्पोर्टेंस हो जाता, मॉड टी निकालते, 0 माइनस में माइनस टी लिखते, 0 प्लस में प्लस टी लिखते। आया समझ में? हाँ सर। ये इस सब में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें 0 डालने से भी होता। आगे चलूं? यस सर। रैशनलाइजेशन एट इंफिनिटी, इंफिनिटी में भी रैशनलाइजेशन चलता है। लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिटी रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x-1 माइनस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x+3, इसका वैल्यू निकालना है, क्या करोगे?
क्या फॉर्म है? इनफिनिटी। इसका दो तरीका है, एक तरीका ऊपर वाला भी, x को 1 बाय t डाल दो ताकि डिनोमिनेटर आ जाएगा। तुम्हारा मेन एम डिनोमिनेटर लाना है, उस चीज को समझो, डिनोमिनेटर लाना है। डिनोमिनेटर जब तक डिनोमिनेटर लाना है, जब तक डिनोमिनेटर नहीं आएगा ना तो मैं हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर सकता हूँ, ना तो मैं एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ, ना तो कुछ कर पाऊंगा। तो डिनोमिनेटर लाने का और एक तरीका है कि तुम इसे रैशनलाइज कर दो। तो अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्लस वाले से, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस सेवन एक्स, तो सेवन माइनस टू फाइव एक्स, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। अब फॉर्म है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मगर देखो ऊपर में हाइएस्ट पावर क्या है, x अगर मैं कॉमन ले लूं तो 5 माइनस फोर बाय एक्स डिवाइडेड बाय, यहां से अगर x को मैं बाहर निकाल लूं तो ये क्या होगा, 1 माइनस टू बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, यहां से भी अगर x को बाहर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे सर ऊपर नीचे आप डिवाइड कर सकते थे एक्स स्क्वायर से, हाँ एग्जैक्टली x से, तब भी वही आंसर होता, x x x कैंसिल हो गया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, बचा क्या 5 डिवाइडेड बाय क्या डिनोमिनेटर में क्या, ये प्लस होगा ना, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 5 बाय 2, किसी को डाउट है तो पूछो। मैंने डायरेक्ट मॉड क्यों नहीं लिया, नहीं 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 यहां पे x टेंडिंग टू इनफिनिटी है, मुझे मालूम है पॉजिटिव साइड है इसलिए मॉड नहीं लिया, वरना मैं मॉड लेता। मैंने ऑलरेडी पहले ही देख लिया है कि x पॉजिटिव है तो मैंने मॉड नहीं लिया, वरना मॉड मुझे लेना पड़ता। लिखना है तो लिख, एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, आ रहा हूं। चलो आगे। यस सर। आज का लास्ट एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक। एल हॉस्पिटल लगाओगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ई टू डी पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ई टू डी पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू वन होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अगर तुम्हें ए टू डी पावर एक्स माइनस, अभी तुम मुझसे प्रूफ पूछोगे तो, क्योंकि एक्सपेंशन तो बताया नहीं गया है, तो अभी अगर प्रूफ पूछोगे तो एक ही होगा, एल हॉस्पिटल लगाओ, मेरे पास और कोई ट्रिक नहीं है प्रूफ करने का। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और एक था लॉग का बेस ई, अगर 1 प्लस एक्स बाय एक्स कभी दिया होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब इसी में थोड़ा अंतर कभी कभी हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू डी पावर ए एक्स माइनस वन बाय एक्स हो, तब अब तुम देखोगे कि आर्गुमेंट में ए है तो फॉर्मूला लगाने के लिए नीचे भी एक ए लाओगे, मल्टीप्लाई भी करोगे और तब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना।
तो अगर आर्गुमेंट में एक्स के साथ ए है तो आंसर वन नहीं होगा, ए होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर के है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए टू डी पर ऊपर के एक्स माइनस वन बाय अगर एक्स है तो क्या करोगे, के से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसलिए ये के इंटू एल एन ए हो जाएगा। और यहीं पे अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है एल एन के साथ वन प्लस ए एक्स बाय एक्स है, तो अगर ये ए है, सुनने में आ रहा है रे? हाँ यस सर, ये ए है और ये ए है तो ये वन हो जाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू ए हो जाएगा। तो यूज कैसे लगता है सर? यूज तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर थ्राइस एक्स माइनस वन बाय एल एन ऑफ वन प्लस नाइन एक्स बोलो, तो तुम जानते हो कि ई टू दी पावर थ्राइस एक्स माइनस वन में फॉर्मूला लगाने के लिए तुम्हें नीचे एक एक्स चाहिए और लॉग वाले में भी फॉर्मूला लगाने के लिए नीचे एक्स चाहिए, तब तो खेला ही खत्म हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर थ्राइस एक्स माइनस वन के साथ एक एक्स ले लेना, ln यही x को फिर नीचे और एक बार डाल देना, तो क्या ऊपर वाले का वैल्यू 3 होगा, नीचे वाले का 9, तो 1/3। कुछ और भी सम्स कराऊंगा, पहले लिखना है तो यहाँ पे लिख लो, डेढ़ मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? जी सर। हो गया? किसने रुकने बोला था? सुनील। हाँ हुआ? डन सर। चलो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एल एन ऑफ सेक एक्स, अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो डालोगे तो ये क्या फॉर्म है? जीरो बाय जीरो बाय जीरो। एल हॉस्पिटल लगाने से आंसर आ जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा, मैं दो बार लगाना पड़ सकता है या दो से ज्यादा, तो तुम्हें ऊपर ऑब्जर्वेशन भी तो एक चीज होता है कि ऊपर ऑब्जर्व करो कि फैक्टराइज हो रहा है क्या, क्योंकि अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर को तुम और छोटा कर सकते हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी एक तुम्हें बताया था लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। मैं फिर से कह रहा हूँ एल हॉस्पिटल लगाने से भी आंसर आता, जैसे मैंने ये लिखा तो अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं इसको और इसको गायब कर सकता हूं, तो एक बड़े एक्सप्रेशन को गायब किया जा सकता है, टू टू डी पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, फाइव टू डी पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ सेक एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? एल एन टू, इसका वैल्यू क्या होगा? एल एन फाइव, तो बाहर क्या आया? ln 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या? ln 5, क्या रह गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर बाय क्या? ln ऑफ sec x, क्या फॉर्म आया? 0 बाय 0। अब l हॉस्पिटल लगा रहा हूं तो ये मेरे हो जाएगा ln 2 into ln 5, l हॉस्पिटल अगर लगाऊं तो x स्क्वायर के लिए 2x, ln sec x के लिए 1 बाय sec x into
sec x tan x. x और tan x की यारी बहुत पुरानी है, sec x कैंसिल हो गया, 2 ही केवल बचता है, तो 2 into ln 2 into ln 5, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आज के क्लास में ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल सा मैंने कराया जो मैं मानता हूँ, मगर आज के क्लास में एक चीज मैंने करवाया है कि एक पर्टिकुलर टाइप के सम्स को करवा दिया है, ठीक है। पास्ट ईयर का कलेक्शन तुम्हें दिया हुआ है, लिमिट्स के सम्स को उल्टा के देख सकते हो कि कितना परसेंटेज आज किया है हम लोगों ने, बाकी तो बहुत कुछ है और, ठीक है। मिनिमम 3 क्लास तो लगेगा ही खत्म होने में लिमिट्स। आगे निकलूं? हाँ सर, थोड़ा रुकिए। बोल देना। यस सर, हो चलो। एक कॉमन एल्गोरिथम है कि कभी तुम्हें अगर a टू डी पावर एफ ऑफ एक्स के साथ a टू डी पावर जी ऑफ एक्स दिखता है तो a टू डी पावर जी ऑफ एक्स कॉमन ले लेना, ताकि तुम्हें a टू डी पावर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस वन मिल जाए। तुम बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल में एज ए स्टूडेंट मुझे भी समझ में नहीं आता, मगर वही चीज अगर मैं तुम्हें सम में करवाऊंगा तो मेरे ख्याल में समझ में आएगा। सपोज ये सम है डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, नो डाउट 3 बार डिफ्रेंशिएट करने से आंसर आता है, मगर मेरे पास एक फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो e टू डी पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू जो 1 होता था। इसमें ये जो 1 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फिक्स कांस्टेंट है जो होना ही चाहिए। इस फॉर्म को लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं e टू डी पावर साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूं। ये याद रखना होगा, ये एक ट्रिक है। आज का क्लास कोई कॉन्सेप्चुअल क्लास थोड़ी ना है, ट्रिकी क्लास है। माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब तुम मुझे बोलो जब एक्स 0 की ओर जा रहा है तो ये किसकी ओर जाएगा, ये आर्गुमेंट कोई मुझे, तो अगर e टू डी पावर साइन एक्स क्या हुआ, वो तो e टू डी पावर 0 1 हो गया, तो 1 तो बाहर आ सकता है, तो 1 बाहर आ गया। लिमिट एक्स टेंडिंग अगर ये 0 की ओर जा रहा है तो इसी चीज को अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं तो क्या फायदा होगा, तो टेन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब क्या फायदा होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। इसका वैल्यू आज का पहला सम भी यही था, आज का लास्ट सम भी यही है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, ये 1 और ये इसका वैल्यू 1/2 है, तो आंसर 1/2, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, आज यहीं पे चीजों को खत्म करता हूं। पांच मिनट का गैप ले रहा हूँ, 9:05 में आऊंगा डाउट्स लेने के लिए। सर हाँ बोल। सर संडे का जो टेस्ट है वो क्या बाद में अवेलेबल रहेगा? हाँ सर, संडे वाला टेस्ट सर मतलब बाद में दे सकते हैं क्या? संडे वाला टेस्ट नहीं दे पाओगे, कोई दूसरा टेस्ट बना के दे दो, ठीक है। चलो संडे वाला जो टेस्ट है वो तो संडे को ही रहेगा। चलो टाइमिंग क्या होगा टेस्ट का? बता दूंगा, वो इस इवनिंग टाइमिंग जो रहता है। चलो ठीक है।
सुनाई दे रहा है? हाँ सर। चलो प्रसूर जी है? मैंने कहा ना कोई थ्योरी नहीं है, जरा थोड़ा बुद्धि लगा के बोलना क्या होगा इसका पीरियड, थोड़ा सोचते जा क्या होगा। मतलब सोच पा रहा है, मतलब पाए टू पाए कुछ सोच पा रहा है, दिमाग में ही करना होगा ये काम। हर जगह देखो, हमारा ह्यूमन ब्रेन का एक प्रॉब्लम है, वो हर समय एक पैटर्न ढूंढने का कोशिश करता है। और जरूरी नहीं है कि हर जगह तुम्हारे पास मतलब पैटर्न मतलब एल्गोरिथम। हाँ, यही रीजन है कि माइथ मैथ्स में एक बहुत बड़ा माइथ है, और वो मिथ ये है कि गोल्डन रेशियो हर जगह मिलता है, वो 1.6 वाला जो है वो एक मिथ है। तो उसी टाइप से हम लोग हर समय सोचते हैं कि नहीं सर ने आपने फॉर्मूला दे दिया, यहाँ पे क्या पता मुझे फॉर्मूला कोई नहीं दिया। और मैंने एकदम पीरियड में स्टार्टिंग में ही कहा था फॉर्मूला देने से तुम 95% ऑफ द सम्स कर लोगे, रिमेनिंग 5% में तुम्हें खुद सोचना होगा, उसका कोई ट्रिक नहीं है। तो लगा के देखना क्या क्या लगा सकता है, क्या मिला पीरियडिसिटी। अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो क्या होगा, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स क्या हुआ बोल, क्या साइन एक्स होगा? साइन एक्स नहीं होगा क्या पाई प्लस एक्स रहने से? माइनस कॉस एक्स, और साइन पाई प्लस एक्स तो नहीं हुआ, मगर टू पाई प्लस एक्स होगा क्या? और यही सब समझो है ना कि तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ तुम जेई लेवल में प्रिपरेशन कर रहे हो। जब वो सब चीजों को तुम लगा पाओगे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बस एक ही चीज करूंगा, क्या आज मैंने कुछ कहा था कि 4x को थीटा ले लेता हूं क्योंकि 4x रिपीट कर रहा है। डिनोमिनेटर के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है, वही तो मैंने कहा ना, क्योंकि ऊपर तुझे पैटर्न दिख गया तो ऊपर तुझे प्रॉब्लम नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में तुझे फिर वही डाल के सोचना होगा। कि अगर तू इसमें थीटा को पाई प्लस थीटा से रिपीट करता है तो क्या ये रिपीट होता है, वो सोचना होगा तुझे। दो मिनट को एक फोन। हेलो और मम्मा मैं कॉल बैक करूँ सच्ची ऐसा मुझे आशा नहीं पड़ती जब मैं कॉल बैक आगे चलूँ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ जो ऊपर बोल रहा है? या अब डाउट कुछ क्या डाउट है? नहीं सर वो ठीक है सर, डाउट नहीं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो सबसे पहले ये सोचना कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा क्या अगर मैं यहाँ पे डाल दूं। तो मैं इस एक्स के बदले अगर मैं ये जी ऑफ एक्स डाल दूं तो ये क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस वन अगर जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो, और जी स्क्वायर एक्स अगर जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
अब जी एक्स का वैल्यू सब में डाल तो और एक ब्रांचिंग आएगा, जी ऑफ एक्स को क्या क्या डाल सकता है, जी एक्स को डाल सकता है एक्स क्यूब अगर एक्स किससे छोटा है वन, जी ऑफ एक्स के बदले मेरी जी ऑफ एक्स प्लस वन है इसलिए इसे क्या डाल सकता है बोलेगा, अगर जी ऑफ एक्स के बदले एक्स क्यूब डालेगा तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या, पहले ये स्टेप समझ में आया? अब जी ऑफ एक्स को क्या क्या कर सकता है, अगर एक्स क्यूब डालेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन कब, जब जी ऑफ एक्स के बदले क्या, जब एक्स लेस देन वन हो, मगर साथ में ये भी होना पड़ेगा जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो, और नहीं तो जी ऑफ एक्स के बदले क्या लिख सकता है, ट्वाइस एक्स माइनस वन प्लस वन, ये कब, जब एक्स वन हो मगर जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो, वैसे ही जी स्क्वायर एक्स के बदले क्या लिख सकता है इसका स्क्वायर, तो ये एक्स ट्री पर सिक्स अगर एक्स लेस देन वन मगर कब, जब जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और नीचे वाला क्या, तो आइस टू टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर एक्स, तो ये ट्वाइस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कब, अगर एक्स वन से बड़ा और जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो दिस कैन बी रिटन एज क्या, अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू डाल, इस वाले स्टेप में तूने जी ऑफ एक्स क्या डाला है, इस वाले में तूने जी ऑफ एक्स क्या लिया है, तो ये इसलिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन कब, जब एक्स लेस देन वन छोटा, जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब लिया है तो जब एक्स क्यूब लेस देन जीरो, नीचे वाले में क्या लिया है ट्वाइस एक्स अगर एक्स वन से बड़ा, और जी ऑफ एक्स क्या लिया है ट्वाइस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, अब इंटरसेक्शन सबका निकाल सकता है, जी ऑफ एक्स अब यहाँ पे क्या लिया था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ट्वाइस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कब, जब एक्स वन से बड़ा हुआ और जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो कितना जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास इसमें तूने ट्वाइस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलो तो इसका मतलब है क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 से 1, 2, 3, 4 तक वो मैपिंग चाहिए जहां पे एफ ऑफ वन तो वन हो, तो एफ ऑफ वन वन हो तो इसके लिए तो एक ही वे है नहीं क्या, मगर एफ ऑफ टू टू नहीं हो और क्या एफ ऑफ फोर फोर नहीं हो। अब हम लोग क्या है कि हम पीएनसी के प्रति हमें इतना प्यार होता है कि हर समय हम पीएनसी के बारे में सोचते हैं, मगर मेरा कहना है कि एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ फोर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 3, 3, 2, 4 और 3, 4, 2, यही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, काउंट करके देख ले कौन सा आंसर दे रहा है, समझ में आया? ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सम है, ठीक है, क्योंकि मैं तो मटेरियल से डायरेक्टली देता हूं तो ये फंक्शन में देना एक्चुअली मैं गलत है ये वाला सम, क्योंकि ये वाला सम हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के एंट्रेंस लेवल में करेंगे, तो मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है सच दैट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश वन प्लस एक्स एफ डबल डैश टू प्लस एफ डबल डैश थ्री। इसे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स कहते हैं। इस वाले को तुम ए ले लो, इस वाले को बी ले लो और इस वाले को सी ले लो, तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुम्हें मिला क्या, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू क्या है, एफ डैश वन, तो कैसे यूज करोगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लो, क्या निकला, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, तो एफ डैश वन क्या हो जाएगा, थ्री प्लस ट्वाइस ए प्लस बी। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक्स का वैल्यू वन, मैं एक्स का वैल्यू वन यहाँ डाल रहा हूँ, वैसे ही एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स प्लस ट्वाइस ए, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश टू,
डबल डैश टू डालोगे तो सिक्स टू जा ट्वेल्व प्लस ट्वाइस है, वैसे ही एफ ट्रिपल डैश एक्स समझ में आ रहा है सिक्स, तो सी का वैल्यू क्या हो रहा है एफ, तो मतलब ये ऑटोमेटिक आ जाता है उसके बाद, तो सी सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, खेला खत्म, ठीक है। मगर ये गलती है वहां पे देना क्योंकि हाँ ये बोलो। चलो प्रसिद्ध हो गया तेरा, प्रसिद्ध के बाद सुदर्शन, सुदर्शन है लाइन में, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, और कह रहा है कि ये और इसका नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, इसमें तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इसमें तुम्हें कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के बारे में क्या जानते हैं, लगेगा ही कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक्स था जीरो से लेके टू पाए तक, जीरो से लेके पाए तक, तो जीरो से लेके पाए तक ये ग्राफ हो गया। अब पाए से लेके टू पाए तक ग्राफ क्या होगा, ये टू पाए माइनस एक्स था, हम लोगों ने ये निकाला था, तो ये हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में क्या होगा कि जब तुम अभी तक, क्योंकि मैंने बस बोर्ड लेवल में कराया और बोला है कि मैक्सिमम सम हो जाएगा, मगर जब हम एंट्रेंस लेवल में इन्वर्स करेंगे तो ये सब ग्राफ हमें याद रहेगा, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, ये सब ग्राफ। और ये थोड़ा सा अभी डिफ्रेंसिएशन में भी बताऊंगा कि इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफ्रेंसिबिलिटी के लिए, तो ये सब ग्राफ याद रखने से भी हो जाता है, नहीं तो ये थोड़ा सा निकालने से आ जाता है। अब टेन माइनस एक्स बाय टेन का ग्राफ निकाल ले, y इक्वल टू 10 माइनस x बाय 10, तो अगर x का वैल्यू 0 लोगे, 10 माइनस x बाय 10, x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1 कहीं नीचे है, और अगर x का वैल्यू 4 पाई लोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 10 माइनस 4 पाई बाय 10, तो ये तो एक नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं क्या, और अगर 2 पाई लोगे तो क्या होगा, तो ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा 2 पाई में, तो ग्राफ ऐसा होगा। छोड़ दूं अब, कितने बार कट कर रहा है देख लो, हो जाएगा। सुदर्शन के बाद गिरेंद्र। हाँ सर। एक तो इस समय एक चीज गड़बड़ है कि इक्वल टू किसी एक में होना चाहिए था, ठीक है ठीक है, मगर तब भी हम निकालते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि ठीक है अभी इक्वल टू किसी एक में ले लेते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि हमें तो सब सीखना ही है कि क्या किया जाता है। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब 1-1 भी होगा और क्या 1-2 भी होगा, नहीं सम गलत नहीं है तब। अगर ये फंक्शन 1-1 और 1-2 होगा, इसका मतलब है कि इसका ग्राफ जो होगा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होने से फंक्शन 1-1 नहीं होगा, समझ में आया सर। तो 1-1 होने के लिए इसका ग्राफ केवल एक स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा, नहीं क्या, मतलब 1 में चाहे तुम ऊपर से आओ या नहीं, स्ट्रेट लाइन है ये तो क्लियर है क्योंकि लीनियर है, तो अगर तुम चाहे ऊपर से आओ या नीचे से आओ फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, मतलब तो आइस एक्स प्लस पीस 1 में जो ऊपर का जो वैल्यू होना पड़ेगा वही वैल्यू नीचे भी होना पड़ेगा, इज इट ओके सर।
वन प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू कितना, फाइव छोड़ दूं आगे सर, पी का वैल्यू निकाल लो हो जाएगा आगे, और कुछ जरूरत ही नहीं है क्योंकि तब ग्राफ हर समय इसका एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसमें ये था, मगर अब उसके नीचे वाले में F डिफाइन बाय इतना, ये अब केवल ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए गैप नहीं होना चाहिए। अब इसमें तो ये पकड़ना होगा कौन सा फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो वन में इसका वैल्यू क्या आ रहा है, फाइव, तो ये फिक्स्ड है ये लाइन, और माइनस इनफिनिटी में माइनस इनफिनिटी ये लाइन फिक्स्ड है। तो नीचे वाला जो लाइन है वो यहां से कहीं पे शुरू हो सकता है, नहीं तो यहीं से शुरू हो सकता है, ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, तुझे एक गैप मिल जाएगा, और गैप मिलने से ऑन टू नहीं होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है पी स्क्वायर प्लस वन, और अगर मिल रहा है तो यही पॉइंट पी स्क्वायर प्लस वन है। तो तेरा जो लॉजिक होगा वो होगा पी स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फाइव, आया समझ में, या तो फाइव या तो उससे नीचे होना पड़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें दोनों साइड लॉग ले ले, सब साइड लॉग वाई ले ले, समझ में आया सर? मतलब मैं सर यू वाई भी लगा रहा था इसलिए बहुत बड़ा हो गया था। नहीं नहीं, लॉग लगाना होगा, ठीक है। और इस वाले में तुझे देखना होगा कि ये रिपीट कैसे हो रहा है, ए टू डी पार एक्स, ए टू डी पार एक्स, ए टू डी पार एक्स, तो ये रिपीट कर रहा है ना, मतलब ये बार सर वाई ले लेंगे, ए टू डी पार एक्स टू पार वाई, और अब दोनों साइड लॉग वाई ले लो, छोड़ दूं सर, और एक बार लॉग ले लेना एक्स टू पार वाई, हो गया। और एक भी जाता है, मेरा कहना है कि जब मैंने दो ग्राफ वाले फंक्शन बना दिए तो ये वाला एक बार खुद ट्राई कर, नहीं क्या सर? ठीक है सर। आया सर, नहीं होने से दोबारा पूछ, कभी कभी देखा डाउट, तेरे पास तीन ग्राफ वाला फंक्शन तूने मुझसे पूछा जिसमें से दो मैंने बता दिया, तो तीसरा वाला को खुद एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है, क्या हो रहा है, नहीं होने से दोबारा पूछ लेना। हाँ सर, दोबारा पूछ लेना, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मगर चलो उसके बाद दीक्षित हो? हाँ सर। तो ये वाला तो हो गया? हाँ सर, वो वाला हो। ठीक है, ये हो जाएगा ना, कि इसमें और एक बार, या तो और एक बार लॉग ले ले, लॉग अब नहीं तो एक बार डिफरेंशिएट कर दे और इसे इसको यू मान ले, मतलब लॉग वाई इज इक्वल टू क्या, यू इंटू लॉग ए ले ले और एक बार डिफरेंशिएट कर दे, और फिर ये वाला x to the power y equal to e to the power x minus y, दोनों साइड log ले ले, log x to the power y equal to log, छोड़ दूँ? हाँ सर, कर सुनने में आ रहा है? सुनने में आ रहा है?
हाँ सर, तो ये वाला सम था ना, एक्स टू पर वाई इक्वल टू ई टू पर एक्स माइनस वाई, दोनों साइड लॉग ले ले, तो ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई, लॉग ई का वैल्यू वन होता है, तो वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, अब डिफरेंशिएट कर दे वाई लॉग एक्स का डिफरें, हाँ बोल सर, आपको वो स्क्रीन नहीं आ रहा है, अब आया? हाँ सर, तो यहीं पे बता दूं, ये रहा, तो दोनों में दोनों साइड लॉग ले लिया, वाई लॉग एक्स एक्स माइनस, ये समझ में आया? हाँ सर, वाई लॉग एक्स एक्स माइनस वाई, अगर अब मैं डिफरेंशिएट करूं, वाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई का डिफरेंशिएशन, छोड़ दूं? हाँ सर, हो तो गया, चल ठीक है, ये भेज दे रहा हूँ।